ओके तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, प्रणाम. दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे एंड वेलकम टू सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट लेक्चर फॉर नवंबर 2020. ठीक है, आई होप सो कि आप सब सेफ होंगे, आपकी फैमिली सेफ होगी और किसी भी तरीके की परेशानी से आप गुजर नहीं रहे होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट चीज मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से सबको दुआ. मे एग्जाम मर चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारी मे एग्जाम की, मे अटेम्प्ट की कसमें बहुत सारे बच्चों को दी थी, तो एग्जाम ही मर गया, अटेम्प्ट ही मर गया. तो मैं अभी अटेम्प्ट की कसम देना बच्चों को बंद कर दिया है, पर मैंने अटेम्प्ट की कसम देना बंद कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सीरियसनेस छोड़ना है. ठीक है, सो ये इसलिए मैं बकलोली कर रहा हूं कि आप मुझे बता पाओ कि मेरा ऑडियो विजुअल क्लियर है क्या. सो प्लीज चैट के अंदर बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स. सो हाय एवरीवन, मैं हर एक को हाय तो नहीं बोल पाऊंगा, नियरली 400 लोग ज्वाइन हो चुके हैं. ठीक है, तो मैं हर एक को हाय नहीं बोल पाऊंगा, बट सबको मेरी तरफ से प्रणाम बेटा. ठीक है, जितने लोग हाय बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वी लव यू बेटा, और बाप रे और बाप रे, थैंक यू सो मच. सो आई गेस ऑडियो वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर है सबके लिए. शानदार, तूफान, क्या लाइव चैट चल रहा है, एकदम सब ऐसे जोश में बैठे हो, पैंडेमिक से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो क्या? ओके, वेरी गुड. सो आपकी फैमिली और आप ऐसे ही सेफ रहो और ऐसे ही सेफ्टी से हम एग्जाम दें, इसलिए आज हम प्रिपरेशन करने आए हैं. एंड वी आर एट सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट फॉर नवंबर 20 बाय सीएसीएस दर्शन खरे, बीकॉम ऑल्सो फॉर एवरी सीए फाइनल स्टूडेंट. हर सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए अमेंडमेंट अप्लीकेबल है. जिन्होंने मेरे लेटेस्ट बैच भी क्यों ना किए हैं उनके लिए भी अमेंडमेंट अप्लीकेबल है. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के. मेरी अब सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर एक बंदे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा अब मैसेजेस थोड़े से कम कर देना लाइव चैट में. ठीक है, बिकॉज हम यहां पे पढ़ने के लिए आए हैं, मैं आपको मैसेजेस करने के लिए समय दूंगा. ठीक है, अब आप मैसेजेस तभी करना है लाइव चैट में अगर आपको कोई क्वेरी है तो, क्योंकि इसके बाद अगर कोई लेक्चर देखेगा तो उसको साइड में क्वेरी दिखनी चाहिए लाइव चैट में, और फिर इधर लेक्चर दिखना चाहिए. आप उतने समझदार हो, आई नो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो आई नो, बट स्टिल इट इज अ रिक्वेस्ट कि अब हाय हेलो जो भी आपके मैसेजेस है उसको कम करना. प्लीज किसी को लाइव चैट में अब्यूज ना करना, किसी को भी लाइव चैट में परेशान ना करना, खास करके मुझे बिल्कुल परेशान ना करना, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन ये पढ़ाने के ऊपर रहेगा. सो प्लीज इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा. ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, आई होप सो कि सबको समझ में आ रहा होगा. वी लव एवरीबडी, जितने लोगों ने यहाँ पे प्यार दिखाया है, आई डोंट नो, मैं सबको बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ. ठीक है, सो कुछ स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे इस अमेंडमेंट में बोलनी है. ठीक है, सो सबसे पहली चीज के ऊपर आते हैं जो मैंने अभी तक क्वेरीज एंटरटेन की है उसके हिसाब से, और अमेंडमेंट लेक्चर्स तो सभी देखते ही है, इसलिए मुझे 2 मिनट के लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपके बेनिफिट के लिए कि आपने अगर मेरी कोई बैच की है या आपने मेरी कोई बैच नहीं की है तो आपने किस तरीके से ये अमेंडमेंट को देखना चाहिए. ठीक है, सबसे पॉइंट नंबर वन, अमेंडमेंट के नोट्स नीचे मैंने देके रखे हैं. लास्ट टाइम मैंने नोट्स थोड़े से कलरफुल बनाए थे, इस बार जानबूझ के मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बनाए और उसके अंदर डायग्राम्स बहुत सारे कम किए हैं कलरफुल, सो दैट आप पेंडेमिक में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट अच्छे से निकाल पाओ. सिर्फ जहां हेडिंग है वहां पे मैंने थोड़ा बहुत कलर का इस्तेमाल किया है. दूसरी बात, आपकी जो बैच है उसके हिसाब से क्या आप पूरे तरीके से अपडेटेड हो, ये आपने चेक करना है. किसी ने अगर बिफोर मार्च अप्रैल 2019 मेरे लेक्चर्स लिए हैं, मार्च अप्रैल 2019 डेढ़ साल पहले मेरे अगर किसी ने लेक्चर लिए हैं, तो उनको सजेस्टेड है कि वो एक तो कोई बूस्टर बैच, अभी जो नई बूस्टर बैच है या अपडेटेड बूस्टर बैच आएगी अगले 10 दिन में, वो ले ले, बूस्टर बैच न्यू ले ले, या वो सुपर 35 बैच के साथ चले जाए. ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट वी स्मार्ट साइट के ऊपर अवेलेबल रहता है, तो हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को काफी कम कॉस्ट के ऊपर इसको देने की कोशिश करते हैं. दूसरा, किसी का अगर मार्च अप्रैल 2009 का बैच है, ये बिफोर मार्च अप्रैल 2009 है, किसी का मार्च अप्रैल 2019 का बैच है, 2019 का रेगुलर बैच है, या अगस्त 2019 का सुपर 35 या बूस्टर बैच है, क्योंकि हम सुपर 35 और बूस्टर साल में एक बार ही रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर किसी का ये बैच है तो उनके लिए नीचे मैंने प्लेलिस्ट देके रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक देके रखा है. इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप एक बार चेक कर लेना, आपने देखे है क्या, हो सकता है इसमें से मैक्सिमम आपने देख लिए हो, जैसे मई 20 के अमेंडमेंट, ओडीआई, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इसके अमेंडमेंट आपने ऑलरेडी देखे हो, बट स्टिल एक बार सिर्फ चेक कर लेना कहीं कुछ छूट ना जाए. बीच में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल चेक अपडेट किया था, मॉड्यूल चेंज किया था, तो उसका मॉड्यूल अपडेशन का भी लेक्चर उसके अंदर दिया है, वो भी एक बार चेक कर लेना. दिस इज वेरी इसेंशियल, आपके हाथ से कुछ छूटना नहीं चाहिए. इन सभी वीडियोज के पीडीएफ नोट्स उन वीडियोज के लिंक में भी दिए हुए हैं, तो ये चेक करना. साथ में आपको ये वाला अमेंडमेंट लेक्चर, दिस अमेंडमेंट लेक्चर, ये भी आपको देखना है. ठीक है,
ये आपके अपडेशन के लिए, ये आपके अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिखेगा वो देख लेना। अक्टूबर नवंबर 2019 का अगर किसी ने रिकॉर्डिंग लिया है तो मैंने उनके लिए भी नीचे प्लेलिस्ट देखे रखा है, वो प्लेलिस्ट आपने देखना है, उस प्लेलिस्ट के ऑल वीडियोस चेक करो। मैं वापस कहता हूं इनमें से मैक्सिमम वीडियोस हो सकता है आपने कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 2 मिनट आपके जाएंगे पर चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। साथ में आपको ये वीडियो भी कंप्लीट करना है, दिस वीडियो जो अमेंडमेंट का अभी मैं ले रहा हूं इसको भी आपने काफी अच्छे तरीके से देखना है। और फिर मई जून 2020 का किसी ने रेगुलर बैच, अभी जो पैंडेमिक में मैंने स्टूडियो रिकॉर्डिंग का रेगुलर बैच लिया था, या अभी जिनका सुपर 35 चल रहा है मेरे साथ, अगस्त 2020 से हमने सुपर 35 शुरू किया था, अगर ये किसी का चल रहा है तो उसने सिर्फ ये अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, दिस वीडियो देखना है, बाकी और कोई चीज उनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप सो कि मैंने जो अपडेशन आपके हिसाब से देने थे वो मैंने दे दिए। 6D के अपडेशंस मैं 6D का जब अमेंडमेंट लेक्चर लाऊंगा अगले 5-10 दिन में, 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट का, उसके साथ में मैं उसके अपडेशंस बोलूंगा, ठीक है। तो आप इसका एक छोटा सा फोटो खींच के रखिए आपके अपडेशन के लिए तो काफी अच्छा होगा, दिस विल बी बेटर फॉर यू। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, गो फॉर इट फास्ट। निखिल जैन, 6D के मैं सिग्निफिकेंट केस लॉज और सभी जो डिक्लेरेशन है वो दूंगा अपने 6D के अमेंडमेंट लेक्चर के वक्त बेटा, ठीक है। किसी को क्वेरी है तो अभी दे सकते हैं। पार्थ शाह अग्रवाल, CA IPCC के कोई भी क्वेश्चंस यहां पे हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए CA इंटर का अमेंडमेंट लेक्चर आएगा, उसमें आप उसको पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। ये हर एक को देखना है, ओंकार मैंने जैसे टाइटल में लिखा है इट इज अप्लीकेबल फॉर एवरीवन, तो आपको भी देखना है। हर्षिल पोपट, हम ऐसे PDF किसी भी चैप्टर के बेटा शेयर नहीं कर सकते, और कर भी दी तो भी आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि क्लास में उसके ऊपर हम कई सारे चार्ट्स और कई सारे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। फैजल खेती, 68 और 69 नंबर का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो कृपया करके डाउनलोड लिस्ट में वापस जाके देखिएगा। सो आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं बीच बीच में क्वेरीज चेक करते रहूंगा, लेकिन आपने ट्राई करना है कि आपकी क्वेरी आप एक ही बार पोस्ट करो, सो दैट बहुत ज्यादा लाइव चैट के अंदर क्राउड ना आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्दी ना हो जाए, और आजकल गर्दी करना खतरे से खाली नहीं है, पैंडेमिक चल रहा है। चलो, ये अपडेशन देने के बाद मुझे कुछ डिक्लेरेशन देने हैं एज अ ह्यूमन फर्स्ट थिंग। ये अमेंडमेंट लेक्चर मैं आपका ले रहा हूं, लेकिन ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, सामने मैं लाइव वाला टीचर हूं, सामने बच्चे रहते हैं तो और जोश आ जाता है और ताकत से पढ़ाता हूं, लेकिन यहां कोई बच्चे नहीं है, मतलब लिटरली मैं बोलूं तो मैं तो कचरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब यहां से मैं 2-3 चीजें आपको उठा के दिखाऊं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैं लिटरली कचरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे घर का इंटीरियर का काम चल रहा है, मैं मतलब आप यहां आके देखोगे तो आप बोलोगे आप लेक्चर ले ही कैसे रहे हो, मतलब 2-3 चीजें अगर आपको उठा के दिखाऊं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये देखो ये क्या चल रहा है, फेविकॉल के पॉलिथीन के अंदर मैं अमेंडमेंट लेक्चर ले रहा हूं। सो सिंपली मेरे सामने बच्चे नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट, टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने बच्चे नहीं है, सो देर आर ऑलवेज चांसेस कि ड्यूरिंग दिस अमेंडमेंट लेक्चर कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। मैं अपफ्रंट आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, पर मैंने इनको ऑलरेडी 2-3 बार खुद पढ़ा है तभी जाके मैं इनको आपको पढ़ा रहा हूं। आपने मेरे इसके पहले के अमेंडमेंट लेक्चर या रिविजन लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि टीचिंग का क्वालिटी एट पार होता है और कई बार उससे ज्यादा भी होता है। इस अमेंडमेंट लेक्चर का भी टीचिंग का क्वालिटी एट पार उससे ज्यादा रहेगा, लेकिन देयर आर ऑलवेज अ चांसेस 0.1% जहां पे ह्यूमन एरर हो सकता है। इफ यू सी सच अ काइंड ऑफ ह्यूमन एरर, टेक इट पॉजिटिवली, मुझे लाइव चैट में बताइए, अगर वो मुझे लगता है कि एरर है तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चूक भूल माफ, पर अगर वो ह्यूमन एरर नहीं है तो मैं आपको समझा दूंगा कि दिस इज नॉट अ एरर, इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। दूसरी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मैं लेके आ रहा हूं, पर ये इस एग्जाम के लिए नहीं है, नवंबर एग्जाम के लिए, ये है मई 21 एग्जाम के लिए। हमारी पब्लिकेशन बुक, सेल्फ स्टडी की पब्लिकेशन बुक CA फाइनल लॉ की ऑलमोस्ट रेडी है, जो नियरली 3 CA फाइनल के स्टूडेंट ने रिव्यू की है, जो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिव्यू की है, और एक कंपनी सेक्रेटरी CA फाइनल लेवल के स्टूडेंट ने रिव्यू की है, मतलब 5 स्टूडेंट्स के हाथों से, मतलब 3-4 स्टूडेंट्स और 2 CAs के हाथों से वो बुक पूरी रिव्यू हो चुकी है। बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ होप फ्रॉम दिस बुक। ये बुक 2 पार्ट में डिवाइड होगी, क्वेश्चनेयर एंड नोट्स। नोट्स 3 मॉड्यूल में डिवाइड होंगे, जैसे हमारे रेगुलर बैच के रहते हैं, डायरेक्टर, मिसलेनियस टॉपिक, इकोनॉमिक लॉस, और क्वेश्चनेयर भी वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा प्लस MCQs। तो ये टेंटेटिवली हम सेल शुरू करेंगे, आई होप सो 2 महीने बाद, जब आपका नवंबर का एग्जाम फिनिश हो जाएगा उसके आसपास,
ठीक है, तो ये दो डिक्लेरेशन मुझे देने थे, आई होप सो। इस हाँ ये भी बोल दूं, इस बुक की आपको जरूरत ना पड़े ये मेरी दुआ है, ठीक है, इस बुक की आपको जरूरत ना पड़े ये मेरी दुआ है, ठीक है, मेरी तरफ से विश है कि आप इसी एग्जाम में पास आ जाओ, इस बुक की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये इसलिए क्योंकि आप सीए बन जाओगे तो आपको किसी को ना किसी को सजेस्ट करना पड़ेगा ना कि भाई कहां से पढ़ू, सेल्फ स्टडी के लिए तो ये बुक है, क्लास लगानी है तो मैं जिंदा हूं, ठीक है, और मैं जिंदा रहूंगा नालायक, मैं जिंदा रहूंगा, ये चीज को याद रखना, ठीक है। चलो मुझे जितना डिक्लेरेशन देने थे दे दिए, नाउ इट इज अ टाइम दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स अमेंडमेंट। नोट्स साइड में रखना, रजिस्टर ओपन रखना, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स आपको हो सकता है ड्रॉ करनी पड़े या स्क्रीनशॉट्स निकालना पड़े। एंड वी आर हियर, आई होप मैं एग्जैक्टली ऑन टाइम हूं। यस, हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर 16 मिनट का हो चुका है और 6:10 हुए हैं, सो हमने ऑलरेडी प्रॉपर समय पर लेक्चर शुरू किया है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला डिक्लेरेशन अमेंडमेंट के बारे में, उसके लिए मैं पहले बोल दूं कि इंस्टीट्यूट ने आपके हाथ में क्या अमेंडमेंट दिया है। आई होप सो आरटीपी हर एक बंदे ने डाउनलोड की होगी इंस्टीट्यूट के साइट से, पर इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं वो अमेंडमेंट उन्होंने मई 20 के और नवंबर 20 के कंबाइन करके दिए हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यह सुनना जरूरी है, वरना आपको आरटीपी देख के कंफ्यूजन होगा, इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलू एवरीबडी, तो मई 20 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट अप्लीकेबल होते हैं वो अप टू 31st of October 2019 तक के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होते हैं, और नवंबर 20 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होंगे वो अप टू 30th of April 2020 तक के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होंगे, 30th April 2020 तक के या नवंबर के लिए आएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये दोनों अमेंडमेंट को उठा के इकट्ठा पटक दिया है रिवीजन टेस्ट पेपर में, आरटीपी में, या जो अमेंडमेंट्स का इंस्टीट्यूट ने पब्लिकेशन दिया है उसके अंदर। अब इसमें से मई 20 के अमेंडमेंट तो हमने मई 20 में कवर कर लिए है सबके सब, तो उसको वापस से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने दो अमेंडमेंट के तो लेक्चर लिए थे, उसके अंदर ईसीबी भी लिया था हमने, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, और ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर्स के और दो सेपरेट लेक्चर्स लिए थे। तो मई 20 के अमेंडमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो ऑलरेडी हमने मई 20 के अमेंडमेंट लेक्चर में 10 मार्च को जो रिलीज हुआ था 10 मार्च के पहले वहां ले लिया है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में आरटीपी में कोई भी ऐसा डेट देखो जो डेट कहता है कि दिस अमेंडमेंट इज अप्लीकेबल बिफोर 31st of October 2019, तो वो अमेंडमेंट हमने मई 20 में कवर कर लिया है, ठीक है, ये चीज को याद रखना, नहीं तो आपको आरटीपी देखेगी 40-50 पेज की और आप बोलोगे दर्शन सर ने पूरे अमेंडमेंट पढ़ाई नहीं। बेटा दर्शन सर ने पूरे अमेंडमेंट पढ़ाए हैं, आधे मई 20 में है और आधे नवंबर 20 में, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आधे आधे भी नहीं है, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट फ्रॉम 1st of November 2020 के है टिल 30th of April 2020 के, वही अमेंडमेंट्स मैं यहां पे दे रहा हूं। तो अगर आपने मई 20 का अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए मेरे वीडियोस के अंदर या सर्च कीजिए यूट्यूब पे सीए दर्शन खरे सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट फॉर मई 20, आपको इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, शानदार तूफान जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर है, देख लीजिएगा। और ये हम अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं 1 नवंबर 2019, माई मिस्टेक, 1 नवंबर 2019 से लेके, देखो ह्यूमन एरर बोला था ना मैंने, यही हो गई, सो 1 नवंबर 2019 से लेकर 30th अप्रैल 2020 तक के सभी अमेंडमेंट हम यहां पे कवर कर रहे हैं। ये चीज को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना जरूरी है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, किसी को समझाने के काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। प्रणाम बेटा सबको। क्वेश्चनेयर डॉली, क्वेश्चनेयर और बूस्टर बुक, हमने इस बार जो बूस्टर रिविजन बूस्टर कोर्स है उसकी कॉस्ट कम की है, अगर आपको क्वेश्चनेयर बूस्टर चाहिए तो अलग से लेना पड़ेगा। बूस्टर कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल करवाने के लिए हमने ये सिचुएशन क्रिएट किया था बेटा, कि क्वेश्चनेयर हम सेपरेट रखे और कम से कम कॉस्ट में बूस्टर अवेलेबल करवाए थे। थैंक यू सो मच बालू हियर। चल डन एवरीबडी, सो आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ बिना समय जाया किए वी आर स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स, ठीक है। सर कितने सारे अमेंडमेंट्स है ये तो बताओ, सर कितने अमेंडमेंट? बहुत है बेटा, बहुत है, मतलब कम से कम 10-15 लेक्चर तो ले लेंगे।
10-15 की बात नहीं, बहुत कम अमेंडमेंट्स है और मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन वाले हैं। एज सच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 2-4 ही है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई गेस आज ही हम सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, चिल, मैं जिंदा हूं, मैं कर लूंगा इसको, ठीक है? आपने बहुत अच्छे से सिर्फ ध्यान देना है और जो मैं कहता हूं उसको करना है। मेहनत काफी करके रखी है मैंने ऑलरेडी, आपको उसको सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है? और आपको अगर पसंद आए ये लेक्चर तो आराम से लाइक ठोकना, कमेंट करके जाना, दूसरों को रिकमेंड करना, तो सबका भला हो जाएगा। कर भला सो हो भला। रेडी, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1, रूल नंबर 6 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। कौन किसका रूल्स? द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 5th अमेंडमेंट रूल 2019। हालांकि इस रूल का ओरिजिनल नाम है द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 में रूल्स, मतलब कंपनीज एक्ट के साथ ये बहुत खतरनाक चीज हुई है। कंपनीज एक्ट पास किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में, 12 सितंबर 2013 से एप्लीकेशन शुरू हुआ। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया और इसके रूल्स बनाए हैं मोदी गवर्नमेंट ने। मतलब मैक्सिमम रूल्स मोदी गवर्नमेंट में, बिकॉज 2014 में बीजेपी सरकार आई। तो ये ऐसा लॉ है जो बनाया था कांग्रेस ने, जिसके प्रोसेसेस बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है। तो कई सारे रूल्स दिए हैं, क्योंकि जो बनाने वाली पार्टी रहती है और जो गवर्निंग पार्टी रहती है उनके मतों में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये रूल्स पढ़ते वक्त आपको ये महसूस होगा और ये बहुत जरूरी है, हिस्ट्री बहुत काम की चीज होती है। मिनिस्ट्री में पहले 45 मिनिस्ट्रीज थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में 45 मिनिस्ट्रीज थे, 38 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मिनिस्ट्रीज रिड्यूस डाउन करके 35 मिनिस्ट्रीज एंड 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स किए, जिस वजह से रूल्स के बहुत सारे अमेंडमेंट आ पड़े, बहुत सारे। और उस वजह से अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत सारे लाने पड़े। आप देखना, कंपनीज एक्ट 2013, अमेंडमेंट एक्ट 2015, अमेंडमेंट एक्ट 2017, अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 का ड्राफ्ट चल रहा है, 2021 बनके जरूर बाहर आएगा, जैसे ऑड ईयर इनके फेवरेट ही होते हैं, ठीक है? और वैसे भी 2020 ने अभी तक के हमको बहुत कुछ दे दिया और कुछ सहने की हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, 2021 में लाए तो बेटर है, ठीक है? सर, शुरू करते हैं सबसे पहले रूल नंबर 6, ठीक है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, 5th अमेंडमेंट रूल 2019, ठीक है? 2014 के रूल में पांचवा अमेंडमेंट लेके आए हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस के प्रोसीजर्स को कितने बड़े लेवल पे चेंज कर रही है, ठीक है? ये चीज समझने लायक है। अब ये अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहली बात अगर आपको ठीक से समझना है तो क्रॉस रेफरेंस, ठीक है? पहले ही मैं आपको चार्ट के दर्शन करवा दूं, दर्शन करवा रहा है। यह है आपका पहले अमेंडमेंट का चार्ट, लग रहा है इधर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, ठीक है? चिल मारो, पूरा चार्ट याद हो जाएगा, सिर्फ अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? जो मुझसे वास्ता रखते हैं या जिन्होंने मुझसे पढ़ा है एक बार भी, उन्हें पता होगा क्रॉस रेफरेंस इज वेरी एसेंशियल। इंस्टीट्यूट क्रॉस रेफरेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ रही है, ठीक है? दैट्स व्हाई मैं सब क्रॉस रेफर करके बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 से लेकर 13, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? वैसे 4 और 5 में एप्लीकेबिलिटी है, पर डेफिनेशन सबसेक्शन 6 में है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वहां से लेके सबसेक्शन 13, ठीक है? मैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कम बात कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन, मीनिंग और डिक्लेरेशन के बारे में बात करूं, इसलिए मैंने 6 से लेके 13 लिखा है। रेड विथ शेड्यूल 4 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है, उसमें से शेड्यूल 4, 7 शेड्यूल के नाम वैसे याद होने चाहिए, ये रिकमेंडेड है। उसके साथ रूल नंबर 6 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014, और ये अमेंड हुआ है 5th अमेंडमेंट से 2019 में, जो अप्लीकेबल हुआ है दिसंबर 1 2019 से। ये रूल जो 6 अमेंडमेंट है, ये जो हम देख रहे हैं, ये दिसंबर 1 2019 से अप्लीकेबल हुआ है। सर आप इतनी डेट क्यों बोल रहे हो? डेट बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीचे थोड़ा डेट्स का हमें जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है? सो आई होप सो कि आप इसके लिए रेडी हो। मैं 3-4 चीजें इकट्ठा लेके बोल रहा हूं, समझ में जरूर आएगा, मेरी गारंटी। सिर्फ अटेंशन बनाए रखिएगा, लाइव चैट को शांत रहने दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ होना चाहिए। आपको आपके अटेम्प्ट की तो कसम नहीं दे सकता, जो आपके लिए पैदा हुआ है उसकी कसम। ध्यान नहीं दिया तो जो आपके लिए पैदा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। स्टार्ट करता हूं सबसे पहले डिक्लेरेशन से, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना, बाकी टीचर वीचर कितना भी अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेंशन इज वेरी नेसेसरी। 6 सब रूल 1 जो है उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है। अगर आपको पता होगा कि किसी भी बंदे को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो पहले उसको डाटा बैंक पे नाम रजिस्टर करना पड़ता था, लेकिन ये डाटा बैंक के ऊपर रजिस्टर नाम जो रजिस्टर करना पड़ता था, ये रूल जब आए थे 2014 में तब ये ऑप्शनल था,
तभी ऑप्शनल था, जरूरी नहीं था डाटा बैंक में नाम रजिस्टर करना. फॉर एग्जाम्पल दर्शन इस्पात लिमिटेड 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक. दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर मैं कुछ नहीं हूं, मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड से रिलेटेड भी नहीं हूं, क्योंकि रिलेटेड पर्सन तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकते, सबसेक्शन 6 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 149 के. सो दर्शन इस्पात लिमिटेड से मैं रिलेटेड नहीं हूं, मेरा नाम डाटा बैंक पे भी नहीं है, पर दर्शन इस्पात लिमिटेड के कुछ डायरेक्टर मुझे प्रोफेशनली जानते हैं कि यह बंदा अच्छा है, अच्छा काम कर सकता है, सीएसीएस बेकाम भी है, तो इसको काम देने की जरूरत है. सो दर्शन इस्पात लिमिटेड मुझे अपॉइंट करना चाहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा नाम डाटा बैंक पे नहीं है, तो मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड के ऊपर पहले वॉलेंटरीली डायरेक्टर बन सकता था, इवन दो माय नेम इज नॉट देयर इन द डाटा बैंक. मेरा नाम डाटा बैंक में नहीं था, फिर भी मैं डायरेक्टर बन सकता था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो पहले डाटा बैंक के ऊपर नाम रजिस्टर करवाना वॉज रिकमेंडेड, इट वॉज नॉट मैंडेटेड, इट वॉज रिकमेंडेड. जब यह प्रोविजन बनाया गया था तब यह रिकमेंडेड था, पर इस रूल के आने से, रूल 6 के आने से अब ये मैंडेटरी हो गया है. उन्होंने क्या बोला, बोले जिस दिन ये रूल आए, डेट मैंने पहले ही बोला था, डेट बहुत जरूरी है बच्चों, जिस दिन ये रूल आए 1 दिसंबर 2019 को ये रूल आए है, उस दिन जितने भी लोग, जितने भी सारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जितने भी लोग, जितने भी सारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 1 दिसंबर 2019 को, उन्होंने डाटा बैंक के ऊपर खुद का नाम कंपल्सरीली एडप्ट करवाना है. उन्होंने 1 दिसंबर 2019 को जितने भी लोग, जितने भी कंपनीज में डायरेक्टर है, उन्होंने डाटा बैंक में खुद का नाम कंपल्सरीली ऐड करना है. इसके लिए उन्होंने प्राइमरीली दिए थे 3 महीने. उन्होंने प्राइमरीली कितने महीने दिए थे, 3. अब आप 1 दिसंबर से 3 महीने गिनो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ड्यू डेट था 28 फरवरी 2020. तो 3 महीने में आपने आपका नाम, अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो कहीं पे, तो 3 महीने में 1 दिसंबर से आपने खुद का नाम डाटा बैंक पे डालना कंपलसरी हो गया था. मतलब अगर मैं डाटा बैंक के ऊपर रजिस्टर नहीं हूं तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा, या अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं तो डाटा बैंक पर मेरा नाम होना कंपलसरी है, नहीं तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी. इसके लिए उन्होंने कितने महीने दिए थे, 3. पर 3 महीने 1 दिसंबर से काउंट करो तो 28 फरवरी 2020 तक आया था, और 28 फरवरी 2020 को इंडिया में, If I'm not wrong, इंडिया में कोरोना के 2 केसेस थे. कोरोना के कितने केसेस थे, 2. फिर सब ऑफिसेस वगैरह बंद होना शुरू हुए, मार्च 15 से ये सब चीजें खराब होना शुरू हो गई. मतलब फ़रवरी में से हमको धोखा डर लगना शुरू हुआ, तब हम ऐसे टटकोले लगा रहे थे कि नहीं हमारी इम्यूनिटी तो भारी है, इंडिया में इतनी गर्मी है कि कोरोना का टिकेगा, और अभी के डेट में कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट तो हमारे यहां पर ही है. तो तब 2 कोरोना के केसेस थे, तब जाके गवर्नमेंट ने यह सोचा कि यह कोरोना का संकट भैया खतरनाक है. गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट कर लिया कोरोना का संकट खराब है, तो गवर्नमेंट ने यह 3 महीने का पीरियड डिस्कार्ड कर दिया, अमेंड कर दिया, बना दिया 5 महीने का पीरियड. 5 महीने का पीरियड खत्म हो रहा था 30 अप्रैल 2020 को, जब तुम सब लोग बाहर निकल निकल के थालियां बजा रहे थे, थालियां तालियां, थालियों के साथ गरबा खेल रहे थे, क्या क्या तो कर रहे थे कोरोना के अंदर 30 अप्रैल को, कुछ याद आया, यस नो? तो जब पैंडेमिक शुरू था, प्रधानमंत्री जी बिग बॉस जैसे टास्क पर टास्क दिए जा रहे थे, तब 5 महीने का पीरियड चल रहा था डाटा बैंक के ऊपर नाम डालने का. बट 30 अप्रैल को पैंडेमिक और बढ़ा, और ये 5 महीने का पीरियड खत्म करके गवर्नमेंट ने उसको कर दिया 7 महीने. मतलब देखो, अमेंडमेंट के अमेंडमेंट के अमेंडमेंट के अमेंडमेंट है, 7 महीने का पीरियड कर दिया. 30 जून 2020 तक आपको आपका नाम डाटा बैंक पर डालना था, 7 महीने के ऊपर यह पीरियड कभी बढ़ा नहीं. तो अभी आपको कब तक के आपका नाम डाटा बैंक पर डालना है, 30 जून 2020 तक के आपने आपका नाम डाटा बैंक में डाल देना चाहिए था कंपलसरीली. अगर आपने नहीं डाला होगा तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप गियो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आइडिया बहुत अच्छे से आया होगा. क्लियर है कंसेप्ट? सो अब डाटा बैंक के ऊपर अगर आपका नाम नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते. ये उनके लिए जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट लेके बैठे थे आईडी की, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, जिनको 1 दिसंबर 2019 के बाद नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था, नए अपॉइंटमेंट्स लेने थे. हालांकि ये बहुत कम हुए होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में, और पैंडेमिक आने की वजह से जनरल मीटिंग हुई नहीं. कुछ ही कंपनीज की जनरल मीटिंग हुई, वो भी फाइनेंशियल ईयर एंड के रिपोर्टिंग वाली. मतलब रिलायंस जैसी सबसे बड़ी कंपनी की जनरल मीटिंग ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, आपने शायद देखा होगा. तो रिलायंस ने शेयर ने लंबी चौड़ी रैली मारी इस बार. सो न्यू अपॉइंटमेंट अगर किसी को लेना है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2019, तो पहले उसको नाम अब डाटा बैंक में डालना जरूरी है, फिर ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है. सो पुट द नेम इन द डाटा बैंक बिफोर अपॉइंटमेंट. अर्लियर इट वॉज ऑप्शनल, नाउ इट इज कंपल्सरी.
ये है आपका सब रूल वन। अब आप डाटा बैंक पे नाम डाले बगैर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकते। सब रूल वन फिनिश। आई होप कंसेप्चुअली सबको ताकत से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है सबको? बोलो ये सो नो। बहुत बढ़िया, जाता हूं सब रूल टू पे। सब रूल टू में बोला गया है कि आपका नाम डाटा बैंक में कितने दिनों तक आप रख सकते हो, कितने दिनों तक। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ना पीरियड देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बोले आप चाहो तो आपका नाम डाटा बैंक में एक साल तक रख सकते हो, किसी को अगर एक ही साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, किसी को पांच साल, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नॉर्मल टेन्योर है तो पांच साल तक नाम डाटा बैंक में रख सकता है, किसी को लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने रहना है तो लाइफ टाइम तक के भी नाम डाल सकता है। कभी अगर आपका एक साल का या पांच साल का नाम का पीरियड खत्म हो रहा है, जैसे आज मैंने डाटा बैंक में नाम डाला पांच साल के लिए, मेरा पांच साल का पीरियड एंड हो गया, तो मैं विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स वापस से डाटा बैंक पे नाम डलवा सकता हूं, एक साल, पांच साल या लाइफ टाइम के लिए। यहां लाइफ टाइम के लिए डाल दिया तो वापस कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने एक साल या पांच साल के लिए डाला है तो आप जब ये एक्सपायर होगा एक साल या पांच साल, उसके 30 दिन के अंदर 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम के लिए वापस से आपका नाम डाटा बैंक के ऊपर डाल सकते हो। उसके लिए रिक्विजिट फीस बोली है, जो भी बोली होगी, फीस चेंज होते रहती है, इसलिए वो अपने सिलेबस का कंटेंट नहीं है, वो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट डिसाइड करता रहेगा। ये है सब रूल नंबर टू। चलिए, सो सब रूल नंबर वन, हर एक बंदे का नाम डाटा बैंक के ऊपर होना जरूरी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है। सब रूल टू, आप एक साल, पांच साल या लाइफ टाइम के लिए खुद का नाम डाटा बैंक पर डलवा सकते हो। सब रूल नंबर टू में ही अब एक और क्लैरिफिकेशन आया। अब ये क्लैरिफिकेशन में क्रॉस रेफरेंस तगड़ा है, मेरे को थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस की तरफ और सेक्शंस की तरफ ध्यान बटोरना आपका जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल। आई एम रीडिंग सेक्शन नंबर 149 विथ 164 1H विथ 167 विथ 153 विथ रूल 6। बहुत शांति से और समझदारी से, फेक नहीं रहा हूं, हर एक का लॉजिकल रीजनिंग दूंगा कि इन सबको क्यों मिक्स किया है, बता नहीं रहा हूं, इट इज वेरी नेसेसरी। फर्स्ट थिंग, 149 में हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अभी मेरे को जो जरूरत पड़ने वाली है वो नियरली सबसेक्शन 7 की पड़ने वाली है, डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, वी विल सी दिस। 164(1)(h) इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर सेक्शन, जिसके अंदर सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल डिफॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर क्लॉज एच कि अगर आप डिन होल्ड नहीं करते, एच फॉर होल्ड डिन, याद है, ए एडे, बी फॉर भिकारी, सी फॉर सी, डी फॉर डेंजरस डिस्क्वालिफिकेशन, ई फॉर डिक्री एनफोर्समेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, एफ फॉर फेल्यूर टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स, जी फॉर घर का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एच फॉर होल्ड डिन, एच फॉर होल्ड डिन। तो आपने डिन होल्ड करना है, और अगर आप डिन होल्ड नहीं करते, अगर आप डिन होल्ड करने से फेल्योर हो गए, क्या हो गया, फेल्योर, तो 167 में आपको क्या लग सकता है, वैकेशन। 167 में आपको क्या लग जाएगा बच्चों, बोले एक बार, वैकेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है? इसके एडिशन में सर फिर आपने 153 का तड़का क्यों लगाया? 153 में लास्ट मे 20 में एक अमेंडमेंट आया था, मे 20 का अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखा होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप डिन होल्ड करो तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हो, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नंबर नोटिफाई करके रखा है, वो कोई भी नंबर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, वो नंबर भी अगर आप होल्ड करते हो तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हो। सीजी ने कोई नंबर नोटिफाई किया है, वो आपने होल्ड किया। जैसे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट के ऊपर जाओगे ना, mca.gov.in, तो आपको कुछ कंपनीज के डायरेक्टर आपको दिखेंगे पैन के भरोसे भी डायरेक्टर बने हैं, जो डिन होल्ड नहीं करते, पर सीजी ने उनको अलाउ किया है कि आप पैन नंबर होल्ड कर रहे हो, या पैन नंबर के भरोसे ही डायरेक्टर बन जाओ, उनके पैन को ही डिन मान लिया गया है। ठीक है, तो अब सिचुएशन 164(1)(h) का क्या हो गया? 164(1)(h) का कहता है डिन होल्ड किया तो डायरेक्टर बन सकते हो, डिन होल्ड नहीं किया और फेल्योर हो गया तो वैकेशन होगा। अब क्या इस डिन का मतलब सिर्फ डिन है, या इस डिन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड नंबर भी माना जाएगा? क्योंकि जिसने पैन होल्ड किया है वो तो डिन होल्ड नहीं कर रहा, जिसने पैन होल्ड किया है वो तो डिन होल्ड नहीं कर रहा, और 164(1)(h) कहता है कि आपने डिन होल्ड करना चाहिए, आपने डिन होल्ड करना चाहिए, तो आपने तो पैन होल्ड किया, आपने डिन होल्ड नहीं किया, तो क्या आपको वैकेशन लगेगा? तो यहां डिन का मीनिंग जो लिया है वो ये दोनों लिया है, डिन का मीनिंग जो लिया है वो ये दोनों लिया है, डिन में नॉर्मल डिन भी आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड नंबर भी डिन ही माना जाएगा, तो आपको फिर वैकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब वापस एक कच्चा चिट्ठा, हम है रूल 6 में, ठीक है, थोड़ा समअप करो, समअप करो, ये स्कैटर होने वाला है, फर्स्ट टाइम आप अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो, स्कैटर होने वाला है, स्लोली जाएंगे, पर समअप करो। हम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के
अमेंडमेंट रूल्स के अंदर जो है रूल नंबर 6, सब रूल 1 कहता था कि मैंडेटरीली नाम डाटा बैंक पे डालो, सब रूल 2 कहता था कि 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए नाम डाटा बैंक पे डाल सकते हो। हम अभी सब रूल 2 में ही हैं, हम अभी सब रूल 2 में ही हैं, जो क्या कहता है, सब रूल 2 कहता है हु शॉल अप्लाई फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन डाटा बैंक, कौन डाटा बैंक में नाम इंक्लूड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। एवरीवन शॉल अप्लाई कंपल्सरीली, जो डायरेक्टर डिन होल्ड करता है 153 में, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड नंबर होल्ड करता है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो जो डिन होल्ड करता है क्या वो डाटा बैंक में खुद का नाम डाल पाएगा? यस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड पैन नंबर होल्ड करता है क्या वो खुद का नाम डाटा बैंक में डाल पाएगा? यस। तो जब आप डिन होल्ड करते हो आपका नाम डाटा बैंक में आ जाएगा, और सीजी का पैन भी, अगर आप सीजी नोटिफाइड नंबर में, पैन नहीं बोलना चाहूंगा, एग्जाम्पल पैन है, सीजी ने आधार कार्ड नंबर बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीजी ने पासपोर्ट नंबर बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीजी ने तुम्हारा फोन नंबर बोला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नोटिफाइड नंबर आप होल्ड करते हो तो भी आपका नाम डाटा बैंक पे आ सकता है, विदर बोथ ऑफ देम कैन अप्लाई। यस। अगर आपने डाटा बैंक पे ऐसे नाम डाला है आपके पैन नंबर या किसी भी सीजी नोटिफाइड नंबर से, तो ना ही आप डिस्क्वालिफाई होंगे, ना ही आपको वैकेट करना है। यही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन डिस्क्वालिफिकेशन, नो वैकेशन, रेड विद डिन, रेड विद रूल नंबर 6। आई होप सो आपको ठीक से समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, आइडिया क्लियर है। आई विल सबमिट अप वन मोर टाइम, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है काफी अच्छा है, फिनिश कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम में पूछा आ सकता है। सब रूल 1 क्या कहता है, डाटा बैंक पे नाम कंपलसरी आना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। मुझे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, क्या मेरा नाम डाटा बैंक पे आना जरूरी है? नहीं। मुझे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, क्या डाटा बैंक पे आना जरूरी है? नहीं। मुझे नॉमिनेट डायरेक्टर बनना है, क्या डाटा बैंक पे ऊपर नाम आना जरूरी है? नहीं। मुझे एसएसडी बनना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या डाटा बैंक पे नाम आना जरूरी है? नहीं। किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डाटा बैंक पे नाम आना जरूरी है, सब रूल 1। सब रूल 2, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो। सब रूल 2 में एडिशन कि भाई जो दिन होल्ड करता है वो खुद का नाम डाटा बैंक में डाल सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड नंबर भी जो होल्ड करता है वो भी खुद का नाम डाटा बैंक पे डाल सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सब रूल नंबर 3 पे, एक एक आराम से, एक एक, एक विलन एट अ टाइम, वन विलन एट अ टाइम। अपन हिंदी पिक्चर के, हिंदी मूवी के हीरो टाइप्स काम करना है, साउथ इंडियन मूवी टाइप हीरो टाइप काम नहीं करना। हजारों विलन आ जाए, सबको एक लात मारूंगा, ब्र नहीं होगा ये। ठीक है, सो वन विलन एट अ टाइम। सब रूल 3, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 149 सबसेक्शन 7। अगर आपको याद होगा, थोड़ा हवा में इमेजिन करो, जो भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता था उसको 3 लेवल पे डिक्लेरेशन देना पड़ता था, 3 लेवल्स पे, याद होगा सबसेक्शन 7 में। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन कि वो इंडिपेंडेंस का सबसेक्शन 6 कंप्लाई कर रहा है, कुछ याद आया कि सबसेक्शन 6 कंप्लाई कर रहा है। फिर हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कि वो इंडिपेंडेंस का सबसेक्शन 6 कंप्लाई कर रहा है। फिर जब कभी भी इंटरेस्ट चेंज होगा तो उसके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कि वो इंडिपेंडेंस का सबसेक्शन 6 कंप्लाई कर रहा है, 3 बार डिक्लेरेशन उसको देना पड़ता था, डायरेक्टर बनते से ही, आईडी बनते से ही, हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब इंटरेस्ट चेंज होगा उसका। यह सिमिलर डिक्लेरेशन था, सेम टू सेम डिक्लेरेशन आपका सेक्शन 184 में भी आता है, इट इज क्वाइट सिमिलर इन सेक्शन नंबर 184। अगर आपको याद होगा 184 में डायरेक्टर बनते से ही डिस्क्लोजर है इंटरेस्ट का, हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिस्क्लोजर है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए तभी भी डिस्क्लोजर है। क्लियर है? अब आप 149(7) में हमेशा का डिक्लेरेशन देते थे कि 149(6) आप कंप्लाई कर रहे हो, 149(6) कंप्लाई कर रहे हो। अब नया डिक्लेरेशन उसके अंदर ऐड हुआ है, एंड मैं मार्क करना चाहूंगा बच्चों, बड़े गौर से ध्यान देना, आप सिर्फ 149(6) कंप्लाई कर रहे हो इतना अब काफी नहीं होगा, आपको साथ में यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप डाटा बैंक के लिए ये जो रूल 6 बनाया है और बचे हुए रूल्स बनाए हैं वो भी आप कंप्लाई कर रहे हो। मतलब आप ये भी बोलोगे कि मैं इंडिपेंडेंस का 149 सबसेक्शन 6 भी कंप्लाई कर रहा हूं और मैं हर एक रूल को कंप्लाई कर रहा हूं। मतलब जो आप 3 बार आपका डिक्लेरेशन देते थे, 3 टाइम्स डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते से ही फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप दोनों बोलेंगे 149(6) कंप्लाई कर रहा हूं, साथ में रूल्स कंप्लाई कर रहा हूं, हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बोर्ड मीटिंग में 149(6) कंप्लाई कर रहा हूं, रूल्स कंप्लाई कर रहा हूं, हर इंटरेस्ट चेंज होने के बाद 149(6) कंप्लाई कर रहा हूं, रूल्स कंप्लाई कर रहा हूं, ला 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 ला, 2 डिक्लेरेशन हो गए। एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, श्योर क्वेश्चन आ सकता है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्लियर है? ये होने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट
खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ज्वलनशील पदार्थ है ये, पढ़ी लेते हैं, ओवर एक्टिंग कम करते थोड़ी, पढ़ी लेते हैं, ठीक है। आप भी ओवर एक्टिंग कम करो, मैं भी ईमानदारी से पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम डाटा बैंक शॉल पास एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑप्सेट, मैं इसको कहता हूं ऑप्सेट टेस्ट। एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम डाटा बैंक, जिसका नाम डाटा बैंक पे है, जिसका नाम डाटा बैंक पे है, उसने एक टेस्ट पास करनी है, बोले ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑप्सेट। कितने दिनों में पास करनी है? तो बोले जिस दिन तुम्हारा नया नवेला कोरा करकरी गरम गरम नाम डाटा बैंक पे डाला गया, जिस दिन तुम्हारा नया नवेला कोरा करकरी गरम गरम नाम डाटा बैंक पे डाला गया, वहां से लेके एक साल में आपने ऑप्सेट टेस्ट पास करनी है, और इसका पासिंग परसेंटेज है 60%। तुम्हारा तो 50 ऑप्सेट का 60% है, याद रखना, हमारा 50 ऑप्सेट का 60। आपको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करनी पड़ेगी विद इन वन ईयर, जिस दिन से आपका नाम कहां पे डाला है, डाटा बैंक पे। इस टेस्ट के बारे में भी इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं, क्योंकि रूल्स में लिखा है। पहला, ये टेस्ट कौन लेता है? जैसे आपकी टेस्ट आपकी फेवरेट इंस्टीट्यूट लेती है, वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो, आपके रिलेटिव उसने कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, हा? वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो, वैसे ही ऑप्सेट लेने वाले एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम कहते हैं इक्का। और इसका भी स्पेसिफिकली मनेसर वाला ब्रांच, मनेसर वाला ब्रांच, मनेसर मेनसर जो भी है, यहां मारुति का भी एक प्लांट है, मनेसर वाला ब्रांच, इक्का का मनेसर वाला ब्रांच ये टेस्ट लेगा। कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, कितने अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट दे सकते हो? ऐसा नहीं है तुम अकेले हो जो दे रहे हो, नहीं तुम नहीं देने चाहिए, तुम पास होने वाले हो, वेरी सॉरी, पर कितने अटेम्प्ट दे सकते हो? तो यहां बोला गया है इनफाइनाइट अटेम्प्ट आप दे सकते हो, इनफाइनाइट अटेम्प्ट आप दे सकते हो, जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हो। और अगर आप फेल हो गए, और अगर आप फेल हो गए तो आपका नाम डाटा बैंक से रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम डेटा बैंक, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम, कहां बोले एक बार, डेटा बैंक, यहां से आपका नाम हो सकता है रिमूव हो जाएगा, हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है रिमूव हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस। सो भैया इक्का मनेसर वाला ये इसको कंडक्ट करेगा, अटेम्प्ट्स इनफाइनाइट, जितने चाहे दे दो, पर एक साल में पास करना, एक साल में पास करना, और इनका कोई सिक्स मंथली अटेम्प्ट नहीं रहता है, ये ऑनलाइन टेस्ट है तो कितने भी बार रिपीट कर सकते हो, पर एक साल में पास करना, नहीं तो आपका नाम फेल्योर के केस में डाटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में ना एक बहुत जोर से सवाल आया, बहुत जोर से सवाल आया, सर जाके आओ, जाके आओ नहीं, नालायक येलो टी शर्ट पिंक टॉप ब्लैक टॉप नालायक जाके क्या आओ, जोर से सवाल आया है मेरे को, समर को बहुत जोर से सवाल आया। मैं बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना है, ओके ठीक है, ओके। दर्शन इस्पात लिमिटेड ने रतन टाटा जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने रतन टाटा जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, उन्होंने नाम खुद का डाटा बैंक में डाला। आप रतन टाटा जी से टेस्ट लोगे? औकात है आपकी, लायकी है? रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, दीपक पारेख, चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, आप इनके टेस्ट लोगे अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो? इतनी इतना मतलब? तो मिनिस्ट्री को समझ में आया कि नहीं, कुछ रिस्पेक्टफुल लोग हैं जिनको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए और उनको इन टेस्ट के थ्रू गुजारना नहीं चाहिए। तो एक एग्जम्पशन क्रिएट किया गया, एक एग्जम्पशन खतरनाक लोगों के लिए, जो बंदा डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन रह चुका है कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए या उससे ज्यादा, जो बंदा डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन रह चुका है 10 सालों के लिए या उससे ज्यादा, नीचे दिए गए किसी भी कंपनी में, तो उसको इक्का का ऑप्सेट पास करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही डाटा बैंक के ऊपर नाम रख सकते हैं और आईडी बन सकते हैं। रिपीट, वन सेकेंड रिपीट, कान खोल के सुनिएगा, हाथ की कटोरी करो, कान के पीछे लगाओ, अच्छे से सुनना, करो हाथ की कटोरी, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, नहीं तुम्हारा एक्स तुम्हारे वाई के साथ भाग जाएगा। अच्छे से सुनना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है जरूर,
जो बंदा ऑलरेडी डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन रह चुका है 10 साल या उससे ज्यादा, नीचे दिए गए किसी भी कंपनी में उसको इक्का का ऑफसेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो भी चल जाएगा, अटेम्प्ट भी नहीं करना। तो कौन सी कंपनी में आप हो? आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर 10 साल तक के डायरेक्टर हो, या उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में आप डायरेक्टर हो जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और मेरे को ये समझ में नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब ये ऐसे ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो मेरे को सच में मारने की इच्छा हो जाती है। जब आपने यहां पे लिख दिया थर्ड वाला पॉइंट कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जब आपने लिख दिया तो यहां पे पब्लिक कंपनी लिस्टेड लिखने का क्या सेंस था? दिस इज यूजलेस ड्राफ्टिंग, सस्ते नशे है ये। बॉडी कॉर्पोरेट में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेशंस, यहां तक कि आपकी बॉडी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी इसके अंदर कवर किया जाता है। सेबी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा, और वो भी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आप कह रहे हो, तो बीएससी एनएससी के ऊपर अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड रहेगी तो पार्ट सी में कवर्ड है, तो आपको पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पर नशे कौन करेगा भैया? हम ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर आयोडेक्स लगाएंगे और गांजा स्प्रिंकल करेंगे, फिर उसको खाएंगे और लिखेंगे ऐसे। तो तीसरा जब पॉइंट सी आया तो पॉइंट ए लिखने की कोई जरूरत नहीं, मेरी गलती नहीं है, पर मैं आई ऑफिशियली कंडेम दिस। इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आएगा, ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी हटाने की जरूरत है। आपने यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट लिख दिया, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज काफी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज कवर्ड इन दैट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बट सर बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, आ जाइए प्लीज। बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड में सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा कोई भी पब्लिक कंपनी, ठीक है, जो पब्लिक कंपनी इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट इसमें से किसी के लिए भी लिस्टेड है तो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। दूसरा कोई भी प्राइवेट कंपनी, इक्विटी के लिए तो लिस्ट हो नहीं सकता, तो जो भी प्राइवेट कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्टेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर किया जाएगा। उसके बाद में कोई कॉर्पोरेशन, सर एग्जाम्पल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल LIC, जो इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्टेड है वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। उसके अंदर कोई प्रोफेशनल बॉडी, हालांकि अभी तक के ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि प्रोफेशनल बॉडी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है जो इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्टेड है, हालांकि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, जैसे ICICI इज नॉट लिस्टेड कंपनी। कल जाके ICICI BSE के ऊपर लिस्ट हो गया तो तुम शेयर खरीदना शुरू कर दोगे, 50% स्टूडेंट ही लेके बैठ गए तो ICICI के डिसीजन स्टूडेंट्स लेना शुरू कर देंगे जनरल मीटिंग में बैठ के। तो कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, ICICI से भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक वो भी अगर लिस्टेड है, ठीक है, और उसमें भी अगर आप 10 साल तक के डायरेक्टरशिप, और ये डायरेक्टर बोला है, ये कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बोला है, यहां डायरेक्टर वर्ड के अंदर क्या क्या समाया जाएगा, तो यहां सिर्फ डायरेक्टर वर्ड बोला है तो मैं यहां कंफ्यूज नहीं हूंगा भैया, मैं डायरेक्टर लूंगा। डायरेक्टर के डेफिनेशन 2 सबसेक्शन नंबर 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वही सस्ते नशे वाली डेफिनेशन। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर हर टाइप का डायरेक्टर आएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले ऑप्शनल था डाटा बैंक पर रजिस्टर करना। इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी तक हो आप 10 साल से लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो जब से सेबी आया तब से चाहिए, 20 साल हो गए, क्लियर है, तब से चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी ये कहीं अगर आप SSD हो तो भी कवर किया जाएगा, हालांकि SSD सिर्फ 3 साल के लिए हो सकता है। कहीं आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर हो, कहीं आप नॉमिनी डायरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डायरेक्टरशिप, यहां डायरेक्टर बोला है, मैं डायरेक्टर में सब डायरेक्टर्स ले लूंगा, डीम्ड डायरेक्टर में नहीं लूंगा। और अगर आप की मैनेजर पर्सन हो, सर व्हाट डू यू मीन बाय की मैनेजरियल पर्सन, आप सिंपली की मैनेजर पर्सन के डेफिनेशन के ऊपर इतना ध्यान ना दीजिए, पढ़नी है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे हिसाब से की मैनेजर पर्सन शॉर्ट में बोल दूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वन लेवल बिलो, जिसके अंदर आप नॉर्मली CEO, CO, CS, CFO इनको कंसिडर कर सकते हो, या एनी अदर सिमिलर डेजिग्नेशन। तो जो बंदा डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है 10 साल तक के इन एनी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है बट मैं मजबूर हूं, या पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें पब्लिक कंपनी दोनों तरीके से, प्राइवेट सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट हो सकता है, कॉर्पोरेशन दोनों के लिए, प्रोफेशनल बॉडी वेरी रेयर, पर ये लिस्ट अगर है और आप वहां पे 10 साल तक के एक तो डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन हो, तो आपको इक्का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑप्सेट ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट
देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही डाटा बैंक के ऊपर रह सकते हो और आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। हाँ, अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां मैं एग्जामिनेशन का मतलब लिख कर रखूं, बच्चे एग्जामिनेशन का अलग मतलब ना निकाले। एग्जामिनेशन का मतलब है नो टेस्ट रिक्वायर्ड, नो टेस्ट रिक्वायर्ड, बट नेम शुड बी ऑन डाटा बैंक, नेम शॉल बी ऑन डाटा बैंक। और यहां पे हियर माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। मैं एक बार पूरी तरीके से इसको वापस समझा दूं जो हमने अभी तक देखा। सब रूल वन, आप एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो तो 30 जून तक के, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो, बाकी कोई डायरेक्टर हो तो करना है क्या? नहीं, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो 30 जून तक के डाटा बैंक पे खुद का नाम डालिए, वेरी नेसेसरी। नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो पहले नाम डालिए। सब रूल नंबर टू, एक साल, पांच साल या लाइफ टाइम के लिए आपका नाम जा सकता है डिपेंडिंग ऑन फीस। सब रूल नंबर टू में ही एडिशन, जो डिन होल्ड करता है वो भी नाम डालेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड नंबर होल्ड कर रहा है वो भी डाटा बैंक पर नाम डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने देखा था 149, 164, 167, 153 और रूल 6 के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला सिचुएशन जो हमने देखा, अगर आपने, दैट इज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको दो डिक्लेरेशन देने हैं, कंप्लाई विद 149 सबसेक्शन 6 एंड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द डाटा बैंक। और ये डिक्लेरेशन आप कितने जगह पे दोगे? तीन जगह पे आप ये डिक्लेरेशन देते हो 149(7) का। एक न्यू आईडी बनते से ही फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, मैं लिख के रखता हूं कहीं आप भूल ना जाओ, हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में एंड इंटरेस्ट चेंज से फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, ये तीनों जगह पे आपको ये दोनों डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तीन जगह दो डिक्लेरेशन, क्लियर है। और एंड में आपको इक्का ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो ऑफसेट करके टेस्ट लिया है, दैट इज ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, कि आपको पास करना है 60% के साथ वन ईयर के अंदर, जिस दिन आपका नाम डाटा बैंक पे आया। ये इक्का मनसर वाला ब्रांच है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है। फेल्योर हो गया, एक साल के अंदर पास नहीं कर पाए, तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम डाटा बैंक हो जाएगा। एग्जम्पशन दिया गया है बड़े लोगों को, जो डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, नीचे दिए गए कंपनीज में जो है लिस्टेड, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, ठीक है, पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसका अंडरस्टैंडिंग दिया। डायरेक्टर का मतलब होता है हर डायरेक्टर एक्सेप्ट डीम डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लेवल नीचे वाले सीईओ, सीईओ, सीएस, सीएफओ। और यहां एग्जम्पशन का मतलब है कि आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, पर आपका नाम आपको डाटा बैंक के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। यह है आपका रूल नंबर 6, रेड विद सेक्शन नंबर 149, रेड विद सेक्शन 164, रेड विद सेक्शन नंबर 167, रेड विद सेक्शन नंबर 153। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, लाइक ठोकिए और प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये पूरा सिचुएशन किस तरीके से लगा। क्या आपको समझ में आया? तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन आएगा जरूर कि नहीं भाई, कुछ तो भी अच्छा पढ़ा के जा रहा हूं, ठीक है। सब ये चार्ट कैसे लिखोगे, तो मैं एक एक पार्ट आपको रिफ्लेक्ट करता हूं। दो मिनट के अंदर लिखना, जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है कृपया इसका फोटो खींच लेना, ठीक है। मैं पहले पूरे चार्ट का व्यू दे दूं आपको, जिसको फोटो खींचना है वो खींच सकता है। मैं धीरे धीरे चार्ट को मैग्निफाई करता जाऊंगा, ठीक है। पहले पूरे चार्ट का व्यू ले लो एक, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। कैसा लगा प्लीज बताइएगा, जरूरी है, मैं कचरे में पढ़ा रहा हूं लिटरली, ठीक है, बट मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं चार्ट मैग्नीफाई कर रहा हूँ, एक एक पार्ट का फोटो खींच सकते हो। अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूंगा तो आप फोटो खींच लो तो बेटर है। थैंक यू सो मच मनमोहन, काफी अच्छी चीज बोली, लोटस भी कीचड़ में होता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। यस, रक्ष ने पूछा है कि एसएसडी, रक्षा ने पूछा है वेदर एसएसडी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो क्या उसका नाम भी डाटा बैंक में होना चाहिए? यस रक्षा, बहुत सही सवाल है आपका, काफी अच्छा सवाल है। सेम तानिया ने सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया, दोनों का सवाल सही है, एसएसडी का भी नाम डाटा बैंक पे होना चाहिए। सचिन बिरला, ऑब्वियसली बेटा अपन सीए फाइनल का ही अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो?
एसएसडी का होना चाहिए मानसी, इंडिपेंडेंट एसएसडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है इसलिए उसका नाम डाटा बैंक पे होना चाहिए। राहुल थैंक यू सो मच बेटा, दाद दे दिए। चलो ये फोटो खींच लिया होगा तो नेक्स्ट भी पिक खींच लीजिए फटाफट, तो अमेंडमेंट फटाफट हम कवर कर लेंगे। ये फोटो भी खींच लीजिए। हाँ ऋषिका मैं इसको क्लियर करवाता हूं एक मिनट के अंदर, जस्ट वेट। नीचे का भी दिखाओ, जस्ट वेट, नीचे का डायग्राम भी दिखाऊंगा, इधर का पिक खींच लीजिए। हाँ बेटा यश, जिनका ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड है उनके लिए भी ऑफसेट अप्लीकेबल होता है। ओके जिनको चैट से दिक्कत हो रही है वो चैट से एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका चैट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वीडियो फिर भी शुरू रहेगा। फोटो खींच लिया, नीचे वाला भी पिक खींच लीजिए, खींच लिया सबने, अब ये वाला भी पिक खींच लीजिए। चलो डन, आई होप सो सबने काफी अच्छे से फोटो खींच लिए होंगे। वंस अगेन आई विल शो, किसी का अगर रह गया है तो, क्योंकि आप सामने नहीं हो तो समझ में नहीं आता कि आपने नोट किया अच्छे से या नहीं। ठीक है ये पिक खींचा होगा आपने, फिर ये वाला पिक आपने खींचा होगा ऑलरेडी। ठीक है फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है फिर दिस वन, ठीक है फिर ये वाला। चलो बहुत बढ़िया, पीडीएफ विनय नीचे दिए हैं, देखिए ढूंढिए जरा लिंक में। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, दो तीन काफी अच्छे सवाल आए हैं जो देख के मुझे काफी खुशी हो रही है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल पूछे, सो आई विल बैक टू दिस। प्राइमरी सवाल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ये 10 साल का पीरियड एक कंपनी में है या अलग अलग कंपनी में है? सिंपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना हूं या फिर मैं नॉर्मल डायरेक्टर बना हूं, नॉर्मल डायरेक्टर इन 5 कंपनी ए बी सी डी ई, सब कंपनीज में मैं 2-2 साल हूं, 2 × 10 साल, क्या ये चलेगा? नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। 10 ईयर्स का एटेस्टेज पीरियड होना चाहिए किसी एक कंपनी का, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाकी कंपनीज में कितना होल्ड कर रहे हो, ये एक क्वेरी। दूसरा, सर हमने 5 साल का रजिस्ट्रेशन लिया है, 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन लिया है और वापस से 5 ईयर्स के लिए रिन्यू किया, तो मुझे ऑफसेट वापस देना पड़ेगा क्या सर? मतलब अगर रजिस्ट्रेशन हम रिन्यू करते हैं डाटा बैंक का, तो क्या हमें ऑफसेट वापस देना पड़ेगा? नहीं, एक बार आपने ऑफसेट दे दी, पास कर लिया, वो सर्टिफिकेशन कैरी कीजिए, रिन्यू करते वक्त आपको सेम चीज काम में आएगी, आपको ऑफसेट वापस देने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा। और भी एक सवाल था जो मुझे अच्छा लगा था, होल्ड लेट मी जस्ट चेक, ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी काम की चीज पूछी थी किसी ने तो भी। ओके अभी एग्जैक्टली मुझे लाइव चैट में मिल नहीं रहा है, आई एम वेरी सॉरी। हाँ एसएसडी का था, एसएसडी का किसी ने पूछा था, सर एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है तो क्या उसका नाम भी डाटा बैंक में होना जरूरी है? यस बेटा, एसएसडी आईडी बने बगैर एसएसडी बन ही नहीं सकता, तो उसका नाम भी डाटा बैंक में होना जरूरी है, उसको ऑफसेट देना जरूरी है। सर अगर मेरे ऑफसेट फेल हो गया और मेरा नाम अगर ऑफसेट से, मेरा डाटा बैंक से नाम रिमूव हो गया ऑफसेट फेल होने की वजह से, तो क्या मैं री रजिस्टर करके वापस ऑफसाइट दे सकता हूं? यस, जैसे मैंने बोला अटेम्प्ट कितने भी दे सकते हो, नाम री रजिस्टर करो, सिर्फ जिस दिन नाम रजिस्टर करो उसके 1 साल के अंदर ऑफसाइट पास करना जरूरी है। और वैसे ऑफसाइट बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, थोड़े से आपको इथिकल सवाल पूछते हैं, मैटर क्लियर हो जाता है, ठीक है? सो डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट कोई एग्जाम नहीं है, सीए से डिफिकल्ट और क्या होगा, ठीक है? यह चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। अब ये इसका पूरा टेक्स्ट
यहां पे मैंने देखे रखा है, काफी अच्छा बड़ा अमेंडमेंट है, फटाफट इसको रीड करते हैं, आप साथ साथ में मेरे मार्किंग कर सकते हो इफ यू विश सो, रेडी लेट्स गो। देखो पहले ही इसमें बोला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और द फिफ्थ अमेंडमेंट रूल सच अदर कमेंसमेंट, ठीक है। तो आपको ये देखो पहले ये 3 months किया था, फिर ये 5 months किया 28 फरवरी को, फिर 29 अप्रैल को ये 7 months कर दिया, तो आपको 30 जून तक के आपका नाम रजिस्टर करना है, तो आप साइड में यहां पे भी लिख के रख सकते हो, रिपीट हो जाएगा 30th जून 2020 तक के नाम रजिस्टर करना है, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है नया, intend to get reappointed as an independent director shall before such appointment खुद का नाम register करेगा। उसके बाद में आप data bank के ऊपर नाम register करोगे कितने सालों के लिए, तो 1 year दिया है, 5 year दिया है, lifetime भी दिया है। अगर आपको डिन होल्ड करते हो तो आपका नाम आप register कर सकते हो on data bank, लेकिन यहां CG का number नहीं दिया है तो ये add कर लेना, number notified by CG, number notified by CG holder can also register, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये चीज को आपने याद रखना, साथ साथ में मार्किंग करते चलो वरना आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द डाटा बैंक शॉल फाइल एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, कितने दिनों के अंदर रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेम, फेलिंग विच द नेम ऑफ द इंडिविजुअल स्टैंड रिमूव फ्रॉम द डाटा बैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपका नाम डाटा बैंक से निकल जाएगा अगर आपने आपका सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं किया तो। हाँ ऑब्वियसली बात है, जो लाइफ टाइम के लिए है मेंबरशिप फीस पेड डाटा बैंक की, उनको कोई रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस इन सब रूल 1 and sub rule 2 टू द बोर्ड, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस इन सब रूल 1 sub rule 2 टू द बोर्ड सबमिटेड अंडर सबसेक्शन 7 of 149, मैंने बोला था ना सब रूल 3 में आपको डिक्लेरेशन देना है करके, तो वो डिक्लेरेशन यहां पर आ गया। Every individual whose name is included in data bank shall pass online proficiency self-assessment test within a period of कितना साल दिया गया है, 1 year, आपको एक साल के अंदर इसको पास करना जरूरी है। Failing which, अब ये failing which जो word आया है ना बेटा बहुत जरूरी है ये भी। अब failing which मतलब आप upset fail हो गए हो, या failing which का मतलब है कि आपने data bank के ऊपर offset देने की कोशिश ही नहीं की है। तो यहां सवाल पैदा होता है फेलिंग विच का मतलब क्या है, फेलिंग विच हिज नेम स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम डाटा बैंक, तो फेलिंग विच है एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज इंक्लूडेड एंड डाटा बैंक शॉल पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर अ विदिन अ पीरियड ऑफ 1 year। तो यहां फेलिंग विच का मतलब है एक साल में अगर आपने पास नहीं किया तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा, क्लियर है। फिर ये अमेंडेड नया प्रोविजो आया, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल शॉल नॉट रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशियंसी टेस्ट इफ इज अ डायरेक्टर और अ की मैनेजरियल पर्सन फॉर 10 years और मोर, नॉट लेस देन 10 years, मतलब 10 years और मोर इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो सस्तनेश वाला ड्राफ्टिंग, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crores और मोर एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब जब आप सी बोल रहे हो तो आपको कोई भी ए बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ यूजलेस ड्राफ्टिंग। आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट purpose of calculation of period of 10 years referred to on the first proviso, period during which individual was acting as a director, as a key managerial person in two or more companies or two or more body corporate at the same time shall be counted only once। किसने पूछा था कि सर 10 साल सभी कंपनीज, दो दो साल पांच कंपनीज में, दो दो साल कोड के 10 साल या एक ही कंपनी का 10 साल, तो बेटा एक ही कंपनी का 10 साल यहां पे क्लैरिफाई किया है, क्लियर है। फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, इंस्टीट्यूट मतलब इक का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैंने सर वाला। फिर इंडिविजुअल हु हैज ऑब्टेंड नॉट लेस देन 60% आपको लगेगा, मैंने बोला था ना 60% पासिंग है ये आपको लगेगा। देयर शॉल नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइडेड एक साल के अंदर आपने इसको पास करना चाहिए। तो मैंने सभी मार्किंग किए हैं, मैं आपको एक मिनट देता हूं फटाफट रिव्यू कर लो इस सब चीज को, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग से वापस मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इस अमेंडमेंट के लिए, गो फॉर इट फास्ट। ललित गुप्ता डीम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह पे नहीं रहता, डीम डायरेक्टर बहुत अलग कंसेप्ट है, द पर्सन हु एक्ट्स एज अ डायरेक्टर आउटसाइड द कंपनी इज अ डीम डायरेक्टर, तो उसका आईडी होने का नॉर्मल सवाल पैदा नहीं होगा बेटा।
आईडी की कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है काजल, ठीक है, आईडी की कंडीशंस कंप्लाई करना जरूरी है, आईडी होना जरूरी नहीं है एसएसडी बनने के लिए। थैंक यू सो मच नितेश। चोरडन निधि, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉमन टॉपिक है बेटा, अगर आप उसके कॉमन पॉइंट्स निकाल लो तो उसके रिवीजन करवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो एक बार इसको ट्राई करना, कॉमन पॉइंट हर एक सेक्शन में से निकलते हैं, मतलब 15-20 सेक्शन में तो कॉमन पॉइंट्स है ही उसके। सुबोध थैंक्स बेटा। क्लास कब तक चलेगा? जब तक अमेंडमेंट चलेंगे प्रणय, आई डोंट नो, 3 घंटे तो मिनिमम हम लेंगे, उसके बाद अगर अमेंडमेंट बचे तो कर लेंगे। इंपोर्ट प्रोसीजर फेमा का पार्ट है बेटा। प्रियम डाटा बैंक पहले रिकमेंडेटरी था, अभी कंपलसरी है। इसके पीछे का रीजन यह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसीजर जो है इंडिपेंडेंस की, वो स्ट्रेंथन की जा रही है बेटा। अविनाश मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, सबके लिए अप्लीकेबल है, हेडिंग में भी लिखा है फॉर एवरीवन। हाय एवरीबॉडी, हाय अंकर, हाँ बेटा अमेंडमेंट रूल्स आया है कनिका। चलो डन एवरीबॉडी, ओके। सो आई होप सो कि आपका पूरा रिव्यू हो चुका होगा। मैं जा रहा हूं अमेंडमेंट नंबर 2 पे बिना समय जाया के। मैं स्लो जा रहा हूं पर ये इसलिए क्योंकि इसमें से हमारे 10 मार्क पकेंगे या 5 मार्क तो भी पकेंगे, इसलिए 3 घंटे अगर 5 मार्क देके जा सकते तो जिंदगी में और क्या चाहिए। ठीक है चलो, अब ये खतरनाक अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 203 का। 203 का नाम बोलो, कमेंट में डालिए 203 का नाम, तो मजा आ जाएगा। फटाफट कमेंट में डालिए कि 203 का नाम क्या है। ठीक है फटाफट डालिए 203। यस यस प्लीज, जिन जिनको 203 का नाम पता है जल्दी बताइए। WTKMP शानदार, WTKMP वोल्ट टाइम के मैनेजर पर्सन, जबरदस्त। अगर आपको WT वोल्ट टाइम के मैनेजर पर्सन याद होगा और मैंने जिस तरीके से आपको चार्ट दिया होगा वो अगर आपको याद होगा तो वोल्ट टाइम के मैनेजर पर्सन की अप्लीकेबिलिटी आंखों के सामने आनी चाहिए। वोल्ट टाइम के मैनेजर पर्सन बिग कंपनीज में अप्लीकेबल होता है, 3 रिस्की डिपार्टमेंट्स में। 3 रिस्की डिपार्टमेंट्स बिग कंपनी के कौन से? टॉप मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस और फाइनेंस। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के लिए हमको क्या लगता है, आ जाइए फटाफट, मैं आपको अमेंडमेंट ही बोलता हूं। सो ये है 203 रेड विथ रूल 8, रेड विथ रूल 8A। और ये अमेंडमेंट मैं काफी सालों से एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके पीछे रीजन है, आई विल टेल यू, जस्ट वेट फॉर दिस। ठीक है सो आ जाइए। सो सेक्शन 203 रूल 8 और रूल 8A, मैंने कुछ क्लासेस में बोला भी था कि ये होना चाहिए, सो हो गया। पब्लिक कंपनी रूल 8 में अगर लिस्टेड है पब्लिक कंपनी या पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है तो 3 सबसे बड़े रिस्क डिपार्टमेंट में 1 वोल्ट टाइम पर्सन चाहिए। टॉप मैनेजमेंट में MD, WTD मैनेजर या CEO चाहिए, ये चारों में से एक चलेगा। लीगल कंप्लायंस में हमको एक CS चाहिए और फाइनेंस में हमको एक CFO चाहिए, रूल 8 ये कहता था। फिर रूल 8A आया। रूल 8A क्या कहता था? रूल 8A क्या कहता था? यहां मैंने रूल 8A दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पढ़ना जरा। रूल 8A कहता था द कंपनी अदर देन कंपनी कवर्ड इन रूल 8। रूल 8 में जो कंपनी कवर्ड है वो छोड़ के बची हुई सब कंपनीज हु हैव पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, मतलब पब्लिक कंपनी लिस्टेड और पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ वाली कंपनी छोड़ के जो भी बचती है जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है उनको एक वोल्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। अब देखो लिस्टेड छोड़ के और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ पब्लिक कंपनी छोड़ के कौन सी बचती है? तो वो छोड़ के जो बचती है रूल 8A में वो बचती है पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 करोड़, और दूसरी प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 करोड़। ये 2 कंपनीज बचती है, मतलब लिस्टेड चली गई पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़, पब्लिक चली गई, तो बचती कौन सी है? पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन 5 करोड़ एंड प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन 5 करोड़। हां ओपीसी यहां आ नहीं सकता, ओपीसी यहां आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज लेस देन ₹50 लाख, लेस देन इक्वल टू 50 लाख। ओपीसी का पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं जा सकता तो ओपीसी का सवाल पैदा नहीं होता। क्लियर है? ये ओपीसी में हमने इंटर में, आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा या सीए इंटर के बेसिक्स जो मैंने एक लेक्चर में लिए होंगे उसमें मैंने आपको बताया था। तो बची कौन सी कंपनी है रूल 8A में? पब्लिक कंपनी। इसके तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना, रूल 8A के हिसाब से अदर देन रूल 8 वाली, रूल 8A के हिसाब से अदर देन रूल 8 वाली, तो पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन 5 करोड़ एंड प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल मोर देन 5 करोड़। तो अब अमेंडमेंट क्या आया है देखो, एक्चुअली इनको क्या कहना था, तभी जब ये रूल 8A आया था ना तभी मेरे दिमाग में था कि इनको कहना था, इनको एक्चुअली क्या डिक्टेट करना था कि भाई जो प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है उसने सीएस अपॉइंट करना चाहिए, पर इन्होंने
इल ड्राफ्टिंग किया, इल ड्राफ्टिंग मतलब जो इंटेंडेड है वो छोड़ के ड्राफ्टिंग किया, और उन्होंने क्या बोला अदर देन रूलेट वाली कंपनी, तो पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिकली इसके अंदर फंस गई। तो पब्लिक कंपनी मोर देन 5 करोड़ बेचारी जबरदस्ती फंस गई, और प्राइवेट कंपनी मोर देन 5 करोड़ तो इंटेंडेड थी। अब इन्होंने रूल 8 में अमेंडमेंट क्या लाया, मेरे को एक्सपेक्टेड, मैंने बोला भी था कि दिस नीड टू बी हैपन, ठीक है, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शॉल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अब इन्होंने स्ट्रेट अवे बोला है वर्डिंग में, अब अदर देन रूल 8 वाला नहीं बोला, अभी स्ट्रेट बोला है एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ उनको एक कंपनी सेक्रेटरी लगेगा। इसका मतलब है कि रूल 8 ने जो पब्लिक कंपनी पहले बताया था, अब वो पब्लिक कंपनी यहां नहीं है, मतलब ये सीएस के रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अब पब्लिक कंपनी मोर देन 5 करोड़ को सीएस की जरूरत नहीं है, अब सीधा मोर देन 10 करोड़ की कंपनी को ही सीएस, सीएफओ और टॉप मैनेजमेंट में एक बंदा लगेगा। और यहां जो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ प्राइवेट कंपनी लिखा है, ये अब कटके हो जाएगा पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ जिसमें एक कंपनी सेक्रेटरी। अब ये याद रखने के लिए भी आसान हो गया, पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो 3, पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़ है तो 3, और प्राइवेट का मोर देन 10 करोड़ लिमिट सेम है, प्राइवेट में सिर्फ एक सीएस लगेगा, 3 लोग नहीं लगेंगे, सिर्फ एक सीएस चाहिए। अच्छा अमेंडमेंट है, पूछा जा सकता है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, ये चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इसेंशियल, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अगर आप अमेंडमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, आपके ओरिजिनल बुक में चार्ट होगा, उस चार्ट को भी मैं अमेंड करवाऊंगा, फिलहाल आपको चाहिए तो ये लिख लीजिए, फिर मैं ओरिजिनल बुक के चार्ट में जाता हूं। गो फॉर इट फास्ट। अस्मिता सोलंकी, डाटा बैंक और ऑफसेट की टेस्ट आपको आईडी बनने के पहले देनी है, ठीक है, आईडी बनने के मतलब डाटा बैंक पे नाम आने के बाद में एक साल के अंदर आपको इसको पास करना है, तो आपके 5 साल का आईडी का टेन्योर का सवाल पैदा नहीं होता, आपको बाकी डायरेक्टरशिप देखनी पड़ेगी। हाँ अस्मिता, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ऑफसेट फेल हो गया, एक साल में आप पास नहीं कर पाए तो वैकेट करना पड़ेगा, फिर वापस रिरजिस्टर करके वापस ऑफसेट देना पड़ेगा, फिर ही आईडी बन सकते हो। थैंक यू सो मच अभिषेक। चार सौ लोग मेहनत में लगे पड़े हैं, जबरदस्त बेटा, चलो ये डायग्राम सबका ड्रॉ हो गया, नहीं तो फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं ओरिजिनल बुक में जाता हूं। चलो डन, अब ओरिजिनल बुक में आपने क्या अमेंड करना चाहिए, तो मैं एक बार ओरिजिनल बुक पे आता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो मैं खुद इसको ओरिजिनल बुक में अमेंड करवा के देने की कोशिश करूंगा, मतलब अमेंड करवाना चाहूंगा, रीजन इसके पीछे ये है कि इसके अंदर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और कोई रीजन नहीं है। अब कहाँ गया चीचा, प्लीज आ जाओ, अब फेल्योर ना दो बेटा, यही तकलीफ होती है लाइव लेक्चर में। ये तो यहां पे भी नहीं होगा, आई गेस एक्यू में होना चाहिए। नोट्स तो ओपन नहीं हो रही है, आई विल ट्राई सम अदर वे, होल्ड। चलो यहां से मैं एप्लीकेबिलिटी बोल दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा, रेडी लेट्स गो। सो यहां पे एप्लीकेबिलिटी दिया है, मैं इस एप्लीकेबिलिटी को अमेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला सिचुएशन था, ठीक है, आपको ओरिजिनल बुक में डायग्राम होगा बच्चों, जो ओरिजिनल बुक में चेंजेस करवाना चाहते हैं अब वो यहां पर क्या करेंगे, वो स्ट्रेट अवे ये वाले पार्ट को काट डालेंगे, ठीक है, यहां पर 5 करोड़ की जगह पर लिखेंगे 10 करोड़, ठीक है, और ओपीसी का तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो ये छोटा सा चेंज करना है, ये काट दीजिए और यहां 5 करोड़ की जगह पे आपने क्या कर देना है 10 करोड़, क्लियर है कंसेप्ट, बाकी 10 करोड़ के ऊपर पे पब्लिक कंपनी तो इधर ही कवर्ड है, समझ में आया, ये डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए चाहिए तो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, वापस मैं आता हूं मेरे अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर दूं, होल्ड, इसका भी काम पड़ेगा, आई गेस नहीं पढ़ना चाहिए, लेट्स सी, लेट्स डिस्कार्ड दिस।
चलो कोई बात नहीं। सो ये हमारा हो गया दूसरा अमेंडमेंट, ठीक है। सो दूसरा अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं तीसरा अमेंडमेंट के ऊपर। हालांकि ये तीसरा अमेंडमेंट मैंने शायद हो सकता है ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हो, पर इसके ऊपर वापस एक बार नजर लगाना जरूरी है, नजर देना जरूरी है। इसलिए अमेंडमेंट हुआ है रूल 9 में, रूल 9 टू अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स, जो है सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन नंबर 204 का अमेंडमेंट। आपको शायद पता होगा तो सेक्शन नंबर 204 में कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी होता है। उन स्पेसिफाइड सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनीज में एक लिमिट और ऐड कर दी है क्लॉज बी के बाद क्लॉज सी। एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स, ये हो सकता है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं मे 20 में, पर मैं स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज और मोर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग है बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो बेयर टेक्स्ट है ओरिजिनल नोट्स का, अगर उसके अंदर मैं जाऊं तो वहां मैनेजरियल पर्सन की अलग अलग लिमिट्स बनना शुरू हो जाएगी सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। ये खुले तो बात बने ना, क्या होगा इस देश का कि वो भी डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा। वन सेकंड होल्ड, चलो ये आ गई सेक्रेटरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। सो ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, यस ना। उसके अंदर ये लिमिट देके रखी है, पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। अब इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा, यहां मैं साइड में लिखता हूं स्पेस के अभाव की वजह से प्लस, जिसका लोन या जिसका बोरोइंग इज मोर देन इक्वल टू 100 CR फ्रॉम बैंक और PFI, बैंक और PFI इनसे ही। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से अगर आपने लोन बोरिंग लिया है तो उनको अप्लीकेबल नहीं होगा, उनको भी आप सेक्रेटरियल ऑडिट का लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी जो अदर्स है प्राइवेट कंपनी है उनके लिए NA नॉट अप्लीकेबल। ये भी डायग्राम चाहिए तो लिख के रखिए, 100 करोड़ का लिमिट इसके अंदर एड करना, ठीक है, लोन और बोरिंग के लिए। गो फॉर इट फास्ट। ऑफसाइट पास नहीं हो पाया अस्मिता, तो बेटा आपको वैकेट अभी करना पड़ेगा। जब आप ऑफसाइट वापस पास हो जाओगे तो उस वक्त आप आईडी के लिए वापस अप्लाई कर सकते हो। चलो डन, आएगी बेटा, रघुनंदन आएगी, डोंट वरी बेटा। एवरी कंपनी में प्राइवेट कंपनी इंक्लूडेड है, गुड सुहानी, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने, 100 करोड़ का लिमिट साइड हुआ है, इसको याद रखना। ये भी पीपीटो में जो मैं क्लोज कर रहा हूं, फटाफट जाते हैं नेक्स्ट वाले अमेंडमेंट के ऊपर बिना समय जाया किए। तो चलिए शुरू करते हैं अमेंडमेंट नेक्स्ट वाला, ठीक है, आ जाइए। अरे इधर ही दिया था, क्यों मैं इधर उधर घूमने गया, इधर ही दिया था। सेक्रेटरियल ऑडिट दिया है, 204 दिया है, उसका MR3 भी दिया है। मैं ऐसे ही होता है पैंडेमिक में, यही होता है, ठीक है। लाइव बैच में स्टूडेंट सामने रहते तो बोल दे सर नीचे नोट्स में ही दिया है करके, कोई नालायक ने चैट के अंदर नहीं बोला सर नीचे नोट्स में दिया है, नोट्स डाउनलोड तो भी किया क्या नालायक को। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट है कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स, सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2019।
मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स के अंदर अमेंडमेंट है, और यहां पे जो अमेंडमेंट आई है वो बहुत जबरदस्त एक सेक्शन में आई है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब पहले जरा मुझे बेस बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले 188 का बेस बना दूं, उसके बाद में मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। रेडी, लेट्स गो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी, आरटीपी नहीं, रिविजन टेस्ट पेपर नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188 प्लस रूल 15 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 कॉन्सेंट्रेट डबल ट्रिपल, मुंडे मुंडे जट को स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अगर आपको पता होगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, रूल 15 के नीचे वाले, रूल 15 के ऊपर वाले। सो स्मॉल ट्रांजेक्शन विच आर बिलो द लिमिट्स ऑफ रूल 15 एंड बिग ट्रांजेक्शन विच आर अबव द लिमिट्स ऑफ रूल 15। रूल 15 की लिमिट लोअर देन रूल 15 की लिमिट है स्मॉल ट्रांजेक्शन, मोर देन और इक्वल टू रूल 15 की लिमिट है। तो अगर आपका छोटा वाला ट्रांजेक्शन है रूल 15 के लिमिट से तो बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता था, अगर आपका बड़ा ट्रांजेक्शन रहता तो बोर्ड का ऑर्डिनरी और जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता था। हालांकि आप इमरजेंसी में इसको 3 महीने में भी पास कर सकते थे रेक्टिफिकेशन के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में, और साथ में ऑडिट कमेटी का ओमनीबस अप्रूवल लगता था सेक्शन 177 में, यहां पे भी ऑडिट कमेटी का ओमनीबस अप्रूवल लगता था सेक्शन 177 में, शायद सबको पता होगा ये अप्रूवल्स। अब इसके अंदर रूल 15 की जो लिमिट है वो कंपनी ने खुद ने या एजेंसी के थ्रू भी पार की, मतलब कंपनी खुद गुड्स परचेस करना चाहती है रिलेटेड पार्टी से, कंपनी डायरेक्टर के भाई से, कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड, दर्शन इस्पात लिमिटेड दिख रही है सबको, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर डी दर्शन, और मेरा भाई है दूरदर्शन, मेरा भाई कौन है दूरदर्शन। कंपनी दूरदर्शन से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है गुड्स का, तो उसके लिए लिमिट देके रखी थी। अब कंपनी खुद करे या कंपनी किसी एजेंसी के थ्रू दूरदर्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट कवर थे, एजेंसी यहां कवर था। एजेंसी मिला के 7 टाइप के ट्रांजैक्शंस थे जिनके लिए लिमिट दी थी, तो एजेंसी ये पहला ट्रांजैक्शन यहां पे कवर हुआ। 7 अदर टाइप के ट्रांजैक्शन कौन कौन से है, तो दूसरा है गुड्स का ट्रांजैक्शन, तीसरा है सर्विसेज का, चौथा है इमोबल प्रॉपर्टी सेल और परचेस, पांचवा था लीजिंग का, छठवा था एम्प्लॉयमेंट जिसको हम प्यार से ओपीपी कहते थे, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और सातवा था अंडरराइटिंग का, सातवां था अंडरराइटिंग का, और इनकी लिमिट रूल 15 में टर्नओवर और नेटवर्थ के हिसाब से डिसाइड करते थे। एक बार मुझे वो लिमिट आप रिमाइंड करोगे क्योंकि उसी के अंदर अमेंडमेंट है, तो लिमिट रिमाइंड करो। मैंने इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बोला था, जिस टाइप का ट्रांजैक्शन है वो टर्नओवर से वास्ता रखता है या नेटवर्थ से वास्ता रखता है, या आपने खुद ने बताना था मुझे, कुछ याद आया टर्नओवर या नेटवर्थ से क्या वास्ता रखता है, यह आपने बोला है, जैसे गुड्स या टर्नओवर से वास्ता रखते हैं या नेटवर्थ से, सोचो बोलो, खुद बोलो, अकेले बैठे हो मोबाइल लेके बैठे हो तो भी बोलो, गुड्स टर्नओवर से वास्ता रखते हैं या नेटवर्थ से, तो टर्नओवर से, तो सिंपल ले लेना 10% ऑफ टर्नओवर, नेटवर्थ से वास्ता नहीं है, और फिक्स लिमिट थी 100 करोड़, ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर, ये लिमिट थी मिनिमम लिमिट। सर्विसेज भी था 10% ऑफ टर्नओवर, नेटवर्थ से सर्विसेज का कोई वास्ता नहीं है, और 50 करोड़, माय मिस्टेक, 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये लिमिट थी। इमोबल प्रॉपर्टी सेल और परचेस, ये टर्नओवर से वास्ता नहीं रखता, 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। लीजिंग कंफ्यूजिंग था, पता नहीं था टर्नओवर या नेटवर्थ किससे वास्ता रखता है, तो लीजिंग था बच्चों 10% ऑफ टर्नओवर, साथ में 10% ऑफ नेटवर्थ, साथ में 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। थ्री टायर लिमिट थी, ऑटो रिक्शा टाइप्स, तीन टायर वाली लिमिट थी। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ये ना ही टर्नओवर से वास्ता रखता है ना ही नेटवर्क से, तो इसके लिए सिंपली बोला था 2.5 लाख रुपीज पर मंथ या 30 लाख रुपीज पर एनम। और अंडरराइटिंग, ये नेट टर्नओवर से वास्ता नहीं रखता, 1% ऑफ नेटवर्थ, और दूसरी कोई लिमिट नहीं थी, सिर्फ 1% ऑफ नेटवर्थ ही बोला गया था। तो ये थी आपकी रूल 15 की लिमिट, इनमें से आपको हमेशा लेना है विच एवर इज लोअर, ठीक है, रिस्पेक्टिव लिमिट में विच एवर इज लोअर रिस्पेक्टिवली। अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट पढ़ने में मजा आएगा अगर आपको ये याद है तो। याद करने का तरीका मैंने बहुत सिंपल बोल दिया, जिनको ये याद नहीं होता, जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया होगा माइट भी याद नहीं हो रहा होगा, सिंपल है, गुड्स टर्नओवर से वास्ता रखते हैं, सर्विसेज टर्नओवर से वास्ता रखती है, इमोबल प्रॉपर्टी नेटवर्थ से वास्ता रखती है, लीजिंग कंफ्यूजिंग है इसलिए दोनों से वास्ता रखता है, ओपीपी 2.5 लाख पर मंथ 30 लाख पर एनम, अंडर राइटिंग 1% ऑफ नेटवर्थ से वास्ता रखते हैं क्योंकि हम सिक्योरिटीज का अंडर राइटिंग करते हैं, वो नेटवर्थ की बात है, उसके लिए कोई फिक्स, और अंडर राइटिंग कमीशन है तो उसके लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं हो सकता, क्लियर है। अब आइए पढ़ते हैं अमेंडमेंट क्या है, अब अमेंडमेंट पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा,
ठीक है। अब क्या बोला गया है, देखिए यहां पे मैंने रूल देखे रखे हैं, ठीक है, रूल्स देखे रखे हैं, बकायदा मैंने रूल ही उठा के दे दिया, सो आपका दिक्कत ना जाए इसलिए। सेल और परचेस अमेंडमेंट कहां पे है, सेल और परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स का है एरिया, ठीक है, अगर कंपनी ने खुद ने किया डायरेक्टली या थ्रू एजेंट किया, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर था, और रुपीज 100 करोड़ विच एवर इज लोअर था, तो देखो और रुपीज 100 करोड़ ये डिलीट हो चुका है, मतलब अब यहां पे एक ही लिमिट बाकी है, और वो लिमिट जो काम की है वो है अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, मतलब जो हमारी 100 करोड़ वाली लिमिट थी, 100 करोड़ रुपीज 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो मैं यहां पे स्ट्रेट अवे आ जाऊंगा और मैं गुड्स में से जो 100 करोड़ की लिमिट हमने लिखी है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यह है हमारा अमेंडमेंट। मतलब इसके बाद में आप लिमिट देखोगे, अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड ने दूरदर्शन से 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ दर्शन इस्पात लिमिटेड के बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट किया दूरदर्शन से, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, क्योंकि यह बिग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ में आया। फिर उसके बाद में सेकंड अमेंडमेंट पढ़ते हैं, दूसरा अमेंडमेंट क्या कहा जाता है, तो देखना सेलिंग अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देखो सेल और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, सेलिंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ बोला गया है, और 100 करोड़ रुपीज जो बोला था वो डिलीट है, मतलब अभी इसके लिए क्या एप्लीकेबल है, अमाउंटिंग टू 10% ऑफ नेटवर्थ, सिर्फ 10% ऑफ नेटवर्थ, मतलब जो सेल और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, सर्विसेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, सो सेल और परचेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी जो है वो 100 करोड़ की लिमिट गायब हो चुके हैं, अब ये भी सिर्फ 10% ऑफ नेटवर्थ बचा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, 10% ऑफ नेटवर्थ। तीसरे अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं, तीसरा इसके अंदर क्या अमेंडमेंट, और कोई लिमिट है क्या, तो यहां लिखा है लीजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ और 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी और रुपीज 100 करोड़ विच एवर इज लोअर अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज मे बी मेंशन, तो इन्होंने सिर्फ 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी को रखा हुआ है, सिर्फ 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी को रखा हुआ है, इन्होंने बचा हुआ सब निकाल दिया है, सिर्फ 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी लीजिंग के केस में रखा हुआ है, तो मैं लीजिंग में जाऊंगा, ठीक है, लीजिंग में जाऊंगा, नेटवर्थ निकाल दूंगा, 100 करोड़ निकाल दूंगा, ठीक है, ये दोनों अब नहीं रहा, अब यहां सिर्फ 10% ऑफ टर्नओवर बचा हुआ है लीजिंग में, क्योंकि हमने लीजिंग वाला ट्रांजेक्शन देखा अभी जस्ट, बोलो हाँ है ना। अवेलिंग रेंडरिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेस, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, और जो 50 करोड़ वाली लिमिट थी वो डिलीट हो चुकी है, तो मैं अब सर्विसेज में भी आऊंगा और मैं 50 करोड़ वाली लिमिट को उठा के डिलीट कर दूंगा, तो बचा सिर्फ 10%। फिर उसके मतलब सभी ट्रांजेक्शन अमेंड हो गए जो परसेंटेज लोअर वाले थे, यहां 2.5 लाख पर मंथ और 30 लाख पर नाम, और यहां 1% है, मतलब सीधी बात यह हो गई है विच एवर इज लोअर जो रिस्पेक्टिवली था अब वो नहीं बचा, क्योंकि सभी लिमिट सब फिक्स हो चुकी है। ये अगर अब टर्नओवर 10% से ज्यादा गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो बिग कॉन्ट्रैक्ट, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सर्विसेज 10% टर्नओवर का ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी, इमोबल प्रॉपर्टी 10% नेटवर्थ के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी, लीजिंग 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा है और जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी, ये तो 2.5 लाख पर मंथ, 30 लाख पर एनम है और ये तो 1% फिक्स ही है। तो ये अमेंडमेंट होता है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रूल 15 के अंदर का अमेंडमेंट, जहां पे आपकी लिमिट्स जो वेरिएबल थी वो हो चुकी है फिक्स। मैं चाहूंगा इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए या फटाफट इसके फोटो खींच लीजिए, जैसा आपको सही लगे। कैसा लगा, समझ में आएगा कृपया बता देना जरूर। सतीश श्यामलाल, हाँ ये क्वेरी का मैं आंसर देता हूँ सेक्रेटरी ऑडिट का, जस्ट वेट फॉर मी, ठीक है। बेटा अगले 5-6 दिन में क्वेश्चनर के वीडियोस आ जाएंगे मोहित, बचे हुए क्वेश्चनर के वीडियोस आएंगे, बाकी सब अपलोड हो चुके हैं, कुछ 2-3 चैप्टर ही बाकी है, वो हो जाएंगे, डोंट वरी। मोहम्मद मनमोहन, थैंक यू सो मच बेटा। टिक्स फॉर एग्जाम्पशन प्रसाद, क्वेश्चनर एक बार पूरा लिख के देखो, एग्जाम्पशन पक्का है। और अगर मेरा क्वेश्चनर हो तो सोने में सुहागा, 650+ क्वेश्चंस देके रखे हैं अलग अलग टाइप के, उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ सिर्फ क्वेश्चनर परचेस करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी।
थैंक यू सो मच स्काई एसिड। हाँ बेटा, मैं सारे चार्ट्स की पीडीएफ भी डालने की कोशिश कर दूंगा पलक अमेंडमेंट की, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैं इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। श्रिया जेरा, बेटा बूस्टर प्लस स्कैनर अगर आप 650 सवाल सॉल्व कर लोगे तो वैसे ही इनफ हो जाएगा, पर ओडीआई इंपोर्ट और ईसी भी नहीं है बूस्टर में, वो आपने लेक्चर्स प्रॉपरली करना, अमेंडमेंट सेपरेटली देखना। थैंक यू सो मच ओंकार बेटा, थैंक यू सो मच किशन। ओके, मैं क्या करूंगा, ये समय अपन जाया नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पीडीएफ उठा के डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा। अभी तो मैं लेक्चर के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, पर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा जहां पे अमेंडमेंट नोट्स है वहीं पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके सब चार्ट्स भी देख पाओगे, ठीक है। उसके अंदर अमेंडमेंट नोट्स वैसे भी साइड में है ही, तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बोलो थैंक यू, ठोको लाइक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ऐसी जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, ठोक रहा है ठोको, मैं अभी थोड़ा जोश में आ जाता हूँ, ठीक है, कैसे पैंडेमिक में तो ऐसे भर के रखा है ना सब अंदर, तो थोड़ा फूट रहा है, ठीक है, लेट्स गो। अगला है अमेंडमेंट नंबर 4, द कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स, अमेंडमेंट रूल्स 2020 वाला अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 4 में हम जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू करने के अंदर पैंडेमिक में रिलीफ दिया गया है। पैंडेमिक में अब पहले ऐसी सिचुएशन था कि कुछ चार चीजें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते थे, ठीक है, चार चीजें आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करके ही करवानी पड़ती थी, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके ही करवानी पड़ती थी, पर अब जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, पैंडेमिक में ये सिर्फ कोरोना रिलेटेड है, कोरोना स्पेशल अमेंडमेंट, कोरोना स्पेशल एग्जाम में आ सकता है। करंट अफेयर्स के ऊपर की अमेंडमेंट डिपार्टमेंट मतलब इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है मैटर नॉट टू बी डील्ड इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर देन ऑडियो विजुअल मीन, तो कौन से चार मैटर थे जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते, दैट इज अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप ऑडियो विजुअल मीन से नहीं कर सकते थे। साथ में अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन वाली चीजें, पांच चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते थे। नीचे दिया है फॉर अ पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज मीटिंग बोर्ड ऑफ इट्स पावर अमेंडमेंट रूल 2020 एंडिंग ऑन 30th September 2020 द मीटिंग ऑन द मैटर रेफर्ड टू इन सब रूल 1 मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन अदर ऑडियो विजुअल मीन इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। मतलब ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक 30 सितंबर 2020 तक आप ये सभी चीजें ऑडियो विजुअल मीन से कर सकते हो, ये डिपार्टमेंट ने सहूलियत दी है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, गैदरिंग क्राउडिंग अलाउड नहीं है, तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो। कोरोना स्पेशल अमेंडमेंट है, लिख के रखिए कोरोना स्पेशल, कोरोना स्पेशल, ठीक है, हो गया सबका, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। 188 से ही रिलेटेड एक और छोटा सा अमेंडमेंट है, ऊपर हमने 188 देखा, आपको याद है 188, उसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन देके रखा है, ठीक है। अब इसमें मैंने ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दिया है, दिस इज द ओल्ड प्रोविजन एंड दिस इज अ न्यू प्रोविजन, हालांकि आपको ओल्ड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा न्यू पढ़ो, दिमाग को टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो ओल्ड याद रखो फिर न्यू याद रखो, उससे अच्छा न्यू ही याद रखो, बिकॉज मेरे को मालूम है तुमको ओल्ड वैसे भी घंटा याद नहीं होगा, ठीक है, तो न्यू वाला ही याद रखो, ठीक है, सो ध्यान देना। फर्स्ट सेकंड प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 शॉल नॉट अप्लाई, मतलब जो रिलेटेड पार्टी, अगर आपने देखा होगा, अगर रिलेटेड पार्टी मेंबर खुद है, मेंबर खुद रिलेटेड पार्टी है और जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो मेंबर ये खुद उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, उस जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में वोट नहीं कर सकते। पूरे कंपनी एक्ट के 470 सेक्शन में इकलौता सेक्शन है, इकलौता, जहां मेंबर के वोटिंग राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो। हेडफोन जिसने लगाया, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी जिसने हेडफोन लगाया, पर इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, 470 में इकलौता सेक्शन है, इकलौता सेक्शन जिसने मेंबर्स के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है रिलेटेड पार्टी के केस में। अब वो जो रेस्ट्रिक्शन है कि भैया स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट में बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, बिग कॉन्ट्रैक्ट में जनरल मीटिंग का, और उसमें भी मेंबर वोट नहीं कर सकते, वो जो प्रोविजन है 188 के, वो गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगेगी, ये बोला है, तो इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है, मैं बाद में इसके ऊपर नोट लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विथ एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी और विथ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, आपने दूसरे गवर्नमेंट कंपनी से या सीजी से या एसजी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, इन सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर एंटरिंग इन टू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट।
गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अदर देन रूल्स रेफर्ड इन क्लॉज ए इन केस ऑफ ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे एक मैं छोटा सा चार्ट बनाना चाहूंगा, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, फिर इसको मैं समझाना चाहूंगा। एकदम से ऐसा चार्ट दिमाग में आया है, ऊपर से आया है, भगवान की मेहर है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, अब बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, काफी क्लियर चार्ट है कंसेप्चुअली, ध्यान देना। एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम 188 अप्रूवल एंड वोटिंग। ठीक है, मतलब मेंबर कब वोट कर सकते हैं वो भी यहां पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर तो सीजीएसजी खुद है। ठीक है, सो गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी है और वो डील कर रहा है अदर गवर्नमेंट कंपनी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, जो डील कर रहा है अदर गवर्नमेंट कंपनी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको 188 के अंदर कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 188 में उनको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो लिस्टेड भी है और ये ट्रांजैक्शन कर रहा है तो। ठीक है, डीलिंग विथ अदर है, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी किसी और के साथ डील कर रहा है तो उसको 188, और के साथ मतलब कोई डायरेक्टर का कोई पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो उसको 188 का अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसने डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री इंचार्ज का अप्रूवल लिया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, उसको 188 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने अप्रूवल नहीं लिया है तो उसको 188 कंप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, सिंपल चार्ट है, छोटा सा चाहिए तो लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। सुमित बेटा महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मेरे को कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को फिलहाल इंटरेस्ट है कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ क्योंकि पूरी राजनीति चल रही है और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता और मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, जो करना है करो। स्काई सीड नहीं बेटा, वो आपको लेक्चर में ही फोटो खींचने पड़ेंगे, जानबूझ के मैं उसके पीडीएफ नहीं दे रहा,
क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चे फोटोज में से उसको खुद राइट डाउन करे। ओके, एक और छोटा सा क्वेरी आया है तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं यहां पे। एक बंदे ने काफी अच्छा क्वेरी पूछा है, इमीडिएटली मुझे हिट हुआ है यहां पे। एक और चीज कर देना आपने, किसी ने तू भी पूछा सर अनलिस्टेड कंपनी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है तो क्या उसको 188 अप्लीकेबल होगा? तो उसको भी 188 अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे इधर लिस्टेड भी इनके साथ डील कर रहा था तो 188 नहीं था, अनलिस्टेड भी अगर गवर्नमेंट कंपनी सीजीएसजी के साथ डील कर रहा है तो अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सीजीएसजी गवर्नमेंट कंपनी खुद ही उसमें मेंबर है। ठीक है, तो ये भी ऐड कर दीजिएगा। बढ़िया सवाल बेटा, जिसने भी पूछा शानदार, थैंक यू। अंकित बेटा बेस्ट ऑफ लक, निकल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मुस्कान। हाँ, अमेंडमेंट वाले रूल्स मेंशन करना जरूरी है मानसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनअमेंडेड रूल है तो आप सिर्फ रूल के नाम लिख सकते हो, नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेक्शन नंबर जरूर मेंशन करना पर, इट इज नेसेसरी बिकॉज इट इज सीए फाइनल। प्रतीक अग्रवाल, लास्ट लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बेटा, 68 69, चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच ईश्वर, थैंक यू सो मच तुषार। हाँ चलो, डन एवरीबडी। अच्छा, एक चीज छोटी सी रह गई थी सेक्रेटरियल ऑडिट में, ठीक है, माय मिस्टेक, शायद मैंने उसको क्लैरिफाई किया या नहीं किया, आई डोंट नो, पर बच्चे क्वेरी पूछ रहे हैं तो मैं उसको बोल दूं। यही चीज होती है, जब बच्चे सामने होते तो फटाफट क्लियर हो जाता है, सामने नहीं है तो लाइव चैट चेक करके कर बोलना पड़ता है। आपने देखना जो 100 करोड़ वाली लिमिट है ना, मैंने शायद उसको पब्लिक कंपनी के साइड में लिखा 100 करोड़ वाली लिमिट को, सेक्रेटरियल ऑडिट वाली 100 करोड़ वाली लिमिट सेक्शन 204 की मैंने उसको पब्लिक कंपनी के साइड में लिखा, पर ये लिमिट हर कंपनी के लिए है, मतलब प्राइवेट कंपनी के भी लोन बोरोइंग वगैरह आउटस्टैंडिंग है 100 करोड़ से ज्यादा। सो इवन दो इट इज अ पब्लिक कंपनी और इट इज अ प्राइवेट कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ओपीसी भी हो सकता है जिनके लोन या बोरोइंग आउटस्टैंडिंग है मोर देन 100 करोड़, तो उसको भी सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो ये प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल है, इसका नोट करके रखना, स्टार मार्क करना। माइट बी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने उसको पब्लिक कंपनी साइड में लिखा तो आपने पब्लिक कंपनी ही कंसीडर कर लिया हो, ठीक है, पर इसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों आता है। ठीक है, ये चीज को मैं क्लियर कर दूं, किसी ने क्वेरी पूछा बहुत अच्छी चीज की, नहीं तो स्किप हो जाता था, मेरे को क्वेरी पूछने के बाद महसूस हुआ कि नहीं क्लैरिफाई करना जरूरी है। ठीक है, और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लेना। ठीक है, चल ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। अमेंडमेंट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, अमेंडमेंट नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं अमेंडमेंट नंबर 6 जो है सेबी एक्ट का। ठीक है, सेबी एक्ट के अमेंडमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। कितना समय हो चुका है बापरे, 1:42 हो चुके हैं। मैं चाहूंगा अगर किसी को 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है तो 5-1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट बाद शुरू करेंगे। आज ही नियरली कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम अमेंडमेंट 6 पे है, जो मेजर बड़े अमेंडमेंट मेरे को लगता है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बचे 8-10 छोटे छोटे अमेंडमेंट है वो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा, आप लाइव स्ट्रीम पे बने रहिएगा। ठीक है, 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लीजिएगा। लघु शंका, दीर्घ शंका, कोई भी शंका है तो जाके आइए। क्वेरी है तो लाइव चैट में पोस्ट करना, आई विल रीड दिस। Thank you.
ओके आ जाइए सब लोग वापस, लेट्स स्टार्ट। फटाफट फटाफट आ जाइए, आई विल स्टार्ट विद अनदर अमेंडमेंट। चलो सब आगे, शॉल वी स्टार्ट बच्चों, एवरीबडी इज देयर, फटाफट मुझे बताइए। ओके बेटा प्रशांत, 68 लेक्चर 69 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। आईबीसी के नोट्स में देने की कोशिश करूंगा बच्चों जैसे ही समय मिलता है। शुभम, ऑलरेडी 68 69 नंबर का लेक्चर अपलोड हो चुका है और ये लेक्चर YouTube पे रहेगा, 90% लेक्चर YouTube पे रहेगा जब तक YouTube इसके ऊपर कोई कंटेंट कॉपीराइट का आंसर नहीं, मेरे तरफ से तो रहेगा रहेगा। अगर YouTube ने इसको टेक डाउन कर लिया तो मेरे को नहीं पता, बट हम इसको रिट्राइव जरूर करेंगे, रहेगा, सो डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं, पर आप मेरे साथ ही अभी कंप्लीट करो तो काफी अच्छा होगा, लाइव इसमें आप क्वेरीज भी पूछ पाओगे और इंपैक्टफुल लेक्चर होगा ये, ठीक है। चलो मैं शुरू कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। अब अगला अमेंडमेंट आ रहा है सेबी का, हम कंपनीज एक्ट से शिफ्ट हो रहे हैं सिक्योरिटी लॉ, फिर सिक्योरिटी लॉ से शिफ्ट होंगे इकोनॉमिक लॉ के ऊपर, ठीक है। सेबी एक्ट में कुछ पेनल्टीज थी, कुछ याद आया? 15A, ए फॉर अकाउंट्स बुक्स रिपोर्ट्स, बी फॉर ब्रोकर्स एग्रीमेंट, सी फॉर कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर, डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड, ई फॉर इस्टेट मैनेजमेंट कंपनी, एफ फॉर फेल्योर बाय ब्रोकर, जी फॉर घर का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एच फॉर होल्डिंग, एच ए फॉर हाहा फ्रॉड हो गया। तो उन पेनल्टीज में अभी अमेंडमेंट आया है। पहला अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 15C का, टुच्चा सा अमेंडमेंट है। पहले 15C में राइटिंग में कंप्लेंट दी जाती थी बोर्ड को, बोर्ड को जो कंप्लेंट दी जाती थी वो राइटिंग में दी जाती थी 15C में, और किसी ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट किया तो उसका क्या? तो उन्होंने अभी नया वर्ड ऐड कर दिया, इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, पहले राइटिंग में थी इलेक्ट्रॉनिक मीन, अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट आए राइटिंग में आए सॉल्व करनी पड़ेगी, ये बोर्ड ने बोला है। बोर्ड मतलब, अच्छा हाँ, बोर्ड मतलब यहां सेबी है, हाँ ये बोर्ड वर्ड से कंफ्यूज मत होना, बोर्ड वर्ड के पूरे पूरे हमारे सिलेबस में तीन डिफरेंट मीनिंग है बोर्ड वर्ड के, याद रखना। कंपनीज एक्ट में बोर्ड वर्ड का मीनिंग होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिक्योरिटी लॉ में सेबी और सिकरा में बोर्ड वर्ड का मीनिंग होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आईबीसी में बोर्ड वर्ड का मीनिंग होता है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां इन्होंने बोर्ड बोला है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मत ले लेना, यहां आपको लेना है सेबी, ये चीज को याद रखना। बड़े सारे बच्चे सीए फाइनल पढ़ लेते उनको ये डिफरेंस भी नहीं पता होता, आईबीबीआई में आप बोर्ड लिखा है वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगा देते हैं, सेबी में बोर्ड लिखा है वहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगा देते हैं, तो इनमें बोर्ड का रेफरेंस आया तो यही मानना है, ठीक है, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट है वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी, टुच्चा सा अमेंडमेंट है, नॉट मच। दूसरा अमेंडमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला अमेंडमेंट है, 15F का फेल्योर बाय ब्रोकर का क्लॉज ए, क्लॉज ए का आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट नोट रिगार्डिंग अमेंडमेंट, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रॉपरली नहीं देते हो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन डिस्क्लोजर के साथ तो आपको पेनल्टी लगती थी 1 लाख और अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट विच एवर इज हायर, कुछ याद आया? तो यहां पे उन्होंने उसको चेंज किया है 1 लाख रुपी बट विच में एक्सटेंड्स टू, 1 लाख रुपी विच में एक्सटेंड्स टू, वहां कॉन्ट्रैक्ट नोट इंटरप्रिटेशन लिया जाता था, अब है 1 करोड़। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट सही इशू ना करो तो अभी आपको पेनल्टी है 1 लाख से लेके 1 करोड़ की, क्लियर है, 1 लाख से लेके 1 करोड़ की, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का पेनल्टी आ गया। और फिर तीसरा अमेंडमेंट नहीं है, तीसरा है एडिशन 15HA, हा फ्रॉड हो गया के बाद आ रहा है 50HAA, हा ठीक है, हा इलेक्ट्रॉनिक डिसिमिनेशन के लिए ये बनाया गया है। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस अल्टर हो जाता है या डिस्ट्रक्ट हो जाता है कंपनी का, ब्रोकर का या इन्वेस्टर का, तो उसके लिए पेनल्टी दी है। तो हा को पढ़ते हैं, आ जाइए, पेनल्टी फॉर अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऑफ द बोर्ड
नोइंगली अल्टर डिस्ट्रॉयज मटिलेट कंसील्स फॉल्सिफाइज और फॉल्स एंट्री इन एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इम्पेड ऑब्स्ट्रक्ट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ऑडिट. ऐसा कोई भी डिस्ट्रक्शन हुआ, मटिलेशन हुआ, फॉल्सिफिकेशन हुआ जिससे कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो सेबी कंडक्ट कर रहा है वो बंद पड़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेनल्टी लगेगा इस सेक्शन वाला. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना. और इस सेक्शन में कितना पेनल्टी दी है? शल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी विच में एक्सटेंड्स टू 10 करोड़ रुपीज और 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर और 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर. मतलब यहां पे दो लिमिट है, एक है लोअर लिमिट, मैं साइड में लिख के रखता हूं क्या हो रहा है, एक है लोअर लिमिट और आपकी लोअर लिमिट कितनी है बच्चों? रुपीज 1 लाख और एक है हायर लिमिट. और बच्चों आपकी हायर लिमिट क्या है? वेरिएबल. और वेरिएबल जो हायर लिमिट है उसमें 10 CR और 3 multiplied by profit ये विच एवर इज हायर लेना है. मतलब 3 times ऑफ अमाउंट बोला है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में विच एवर इज हायर. अच्छा, उसके अंदर ये बोला गया है कि भैया एक्सप्लेनेशन दिया है, एक छोटा सा कलर चेंज करके पढ़ता हूं. फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज पर्सन शॉल बी डीम्ड टू हैव अल्टर्ड कंसील्ड डिस्ट्रॉयड द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इन केस ही इज नोइंगली फेल्ड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड और फेल्स टू प्रिजर्व द सेम टिल सच ए इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑडिट एक्सेट्रा विच मे बी इनिशिएटेड बाय द बोर्ड इन कंक्लूजन देयर ऑफ विदाउट बींग ऑथोराइज टू डू सो एक्सेस और ट्राइज टू एक्सेस और डिनाइज द एक्सेस. मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देते या एक्सेस देने से मना करते हो या पीछे खींचते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुक से इंस्पेक्ट करना चाहता था, आपने बुक से छुपा दिए, ठीक है कचोरी समोसा खा लिया इसके ऊपर, नहीं चलेगा. विदाउट बींग ऑथोराइज टू डू सो डाउनलोड एक्सट्रैक्ट कॉपीज रिप्रोड्यूस एनी रेगुलेटरी डाटा मेंटेन इन द सिस्टम डाटाबेस. कोई भी रेगुलेटरी डाटा जो प्राइवेट था अथॉरिटी के हिसाब से वो डाउनलोड करते हो, लेते हो, अल्टर करते हो तो भी पेनल्टी है. नोइंगली इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर वायरस, ये नया है, नया है वह, अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कंपनीज एक्ट में, सेबी में, बोले जानबूझ के वायरस डाल दिया डाटा बैंक में, डाटा सिस्टम में, कि पूरी फाइल्स करप्ट हो जाए. तुमने किया होगा ना ये कभी जिंदगी में कि ऑफिस के सभी कंप्यूटर बंद हो जाए, प्रिंसिपल काम बहुत दे रहा है, हैं? सभी कंप्यूटर बंद हो जाए, ए ले वायरस डाल दो, ब्र सब सिस्टम ब्र. कुछ याद आया? हाँ, नहीं किया, इतने भी शरीफ मत बनो नालायक लोगों, लेट्स गो. विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ डिसरप्ट फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम डाटाबेस, आप डाटाबेस के सिस्टम के फंक्शन खत्म करते हो बिना किसी ऑथराइजेशन के. डैमेज डिस्ट्रॉयज डिलीट्स अल्टर डिमिनिश द वैल्यू, जो भी आप गलत सलत अल्टरेशन करना चाहते हो वो सब यहां पे कवर किए हैं. कंप्यूटर कंटेमिनेशन, कंप्यूटर वायरस डैमेज का मतलब क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ना, सी ए इंटर ई आई एस, ठीक है उसके अंदर ये दिया गया है. ठीक है, साइड की पेनल्टी लिखनी है तो लिख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट. हा जय चचलानी, ई ए ई बी पीछे हो गया जिंदगी में, मे 20 के अमेंडमेंट में. एक बार चेक करना, चलो डन. चलो ये चीज होने के बाद में अगला वाला नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 7. अब ये है रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रिगार्डिंग अमेंडमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ईए करके एक अमेंडमेंट है, एग्जम्पशन, ईए करके अमेंडमेंट है, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द एक्सपोर्ट. आपको पता है एक्सपोर्ट डिस्क्लोजर से, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन से एग्जम्पशन मिलता है, तो यहां डाला है री एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर शॉर्ट नहीं, हेलीकॉप्टर चलने वाला, इंजिन, ऑक्सिलरी पावर, वेरी बैड जोक, वेरी सॉरी. ठीक है,
रिपोजेस ओवरडोज लेसर ड्यूली डी रजिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल, मतलब आपने लीज पे अगर ये कोई ये लिए है एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर या उनको रीएक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर जिसके लिए डीजीसीए का आपने अप्रूवल लिया है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉट दैट रिलेवेंट, बट ठीक है, पढ़ के रखना एक बार। अमेंडमेंट नंबर 8 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ही अमेंडमेंट है, एक्सपोर्ट रेगुलेशन से रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। अब मैं जरा उस डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करना चाहूंगा, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू याद है सबको, 9 months 15 months रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड कितने पार्ट में डिवाइड होता था बच्चों, दो पार्ट में। पहला एक्सपोर्ट बाय अदर पर्संस, और दूसरा मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए चाहिए तो, एक्सपोर्ट बाय ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, एसईजेड। कुछ ज्यादा ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसईजेड जो एक्सपोर्ट के लिए यूनिट्स बनते हैं उनसे। एक्सपोर्ट बाय अदर्स में थे दो, नॉर्मल एक्सपोर्ट और दूसरा था वेयर हाउसिंग एक्सपोर्ट। कुछ याद आया? अब इसके अंदर लिमिट दी थी अगर आपको याद है तो, अगर आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 9 months के अंदर, 9 months और रीजनेबल केस में प्लस 9 months मिलते थे टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। वेयर हाउसिंग के केस में 15 months प्लस 15 months मिलते थे, वेयर हाउसिंग याद है, टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। और सेज के केस में 9 months प्लस 9 months मिलते थे टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। कुछ याद आया बच्चों? अब सर इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है सर, वो बताइए, पूरा चार्ट ड्रॉ कर लिया। अमेंडमेंट ये है चीचा कि अब ये 9 months प्लस 9 months प्लस 15 months प्लस 15 months जो है यहां पे एक चीज ऐड की है, और पीरियड स्पेसिफाइड बाय सेबी, सॉरी और पीरियड स्पेसिफी नहीं, आरबीआई, माय मिस्टेक, यहां पे भी पीरियड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई कोई दूसरा पीरियड भी बोल सकता है एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज करने के लिए, पीरियड बाय आरबीआई ये ऐड हुआ है यहां पे, कि आरबीआई चाहे तो कोई दूसरा पीरियड भी बोल सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। बस इतना ही अमेंडमेंट है, मतलब 9 months प्लस 9 months या पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, 15 months प्लस 15 months पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, 9 months प्लस 9 months पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, बस इतना ही अमेंडमेंट है। आप चाहिए तो साइड में देख सकते हो, पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, और द सेड पीरियड, सेड पीरियड मतलब पीरियड स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, डायग्राम चाहिए ड्रॉ कर लो एक मिनट के अंदर, फटाफट गो फॉर इट फास्ट, छोटा सा अमेंडमेंट है। मोहम्मद अली खाना वाना खाते रहेंगे, मेहनत कर लो आज जरा जिंदगी में, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर लो। चलो हो गया सबका, अगले अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं। फोटो खींच लिया सबने, बहुत बढ़िया शानदार। चलो अगले अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं, अमेंडमेंट नंबर 9 आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट का। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट पहले जम्मू एंड कश्मीर में पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं लगता था, अभी जम्मू कश्मीर में लगता है क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट नंबर 10, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना।
हाँ अरे बाप रे, यहां से तो आईबीसी के अमेंडमेंट शुरू होते हैं, मां कसम तोड़ो, ठीक है, बहुत जबरदस्त वाले अमेंडमेंट है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, ठीक है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले आईबीसी का इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वाला जो पार्ट थ्री था, आईबीसी का इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट थ्री था, वो पार्ट थ्री भी अब जम्मू एंड कश्मीर को अप्लीकेबल होना शुरू हुआ है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी तो लगता ही था, पर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस में हालांकि पार्ट थ्री नहीं है, पर वो भी अब जम्मू कश्मीर को लगता है पहला डिक्लेरेशन। दूसरा, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट जो है आईबीसी के अंदर, एक मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट लगती थी 1 लाख रुपीज की, लास्ट अमेंडमेंट में हम ये पढ़ेंगे, ये 1 लाख रुपीज की मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट बढ़ के अब आईबीसी में हो चुकी है 1 करोड़ रुपीज, रुपीज 1 करोड़, मतलब अब आईबीसी के केसेस तब एंटरटेन किए जाएंगे जब 1 करोड़ से बड़ा किसी क्रिएटर का डिफॉल्ट है। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क करके रखना, लास्ट जो हम अमेंडमेंट देखेंगे वहां उसको रीड करेंगे, पर यहीं से मैं आपको बोल के रख रहा हूं व्यू के लिए कि पहले जो 1 लाख का आईबीसी में डिफॉल्ट लगता था, अब वो डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ रुपीज का लगता है। ये चीज को बड़े पैमाने पर याद रखना बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आईबीसी में अब दूसरा अमेंडमेंट क्या है, तो जरा आ जाइए टाइमलाइन पे। आईबीसी तो मैंने पूरा आईबीसी एक मास्टर चार्ट में पढ़ाया था आपको, पूरा एक ही चार्ट में पूरा आईबीसी, मास्टर चार्ट आईबीसी खत्म। उसी तरीके से एक छोटा सा चार्ट यहां पे दिया है, इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 लोग, एफसीओसीसीडी, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। अप्लीकेशन अगर प्रॉपर है तो 14 डेज के अंदर आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता था, और कुछ रिजनेबल समय में एनसीएलटी अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करता था, आईआरपी का अपॉइंटमेंट ये एनसीएलटी करता था रीजनेबल पीरियड में। अब ये पीरियड काफी रीजनेबल था जो एनसीएलटी को दिया गया था, और ये प्रोविजन था कि आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सा रहेगा, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सा माना जाएगा, 15 जून ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। अगर 1 जून 2025 का एप्लीकेशन है तो क्या 15 जून 14 दिन के बाद का इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाएगा जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, या इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हुआ वो माना जाएगा। तो इसमें लिखा रहता था कि जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हुआ वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। ये पहले था कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी, ये डेट माना जाता था, पर अमेंडमेंट अब ये हो चुका है। अमेंडमेंट क्या हुआ है कि अब ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट नहीं रहेगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आप स्पेसिफिकली रीजनेबल पीरियड में आप अपॉइंट नहीं करोगे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है उसी दिन आपको अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईआरपी करना, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी करना पड़ेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वही डेट को हम अब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानेंगे, ठीक है। वही डेट को, पहले अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का डेट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होता था, सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, लेकिन अब जिस दिन अपॉइंटमेंट, जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ उसी दिन आईआरपी अपॉइंट होगा, एनसीएलटी को यह सख्त ताकीद दिया है, और वही इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। यह अमेंडमेंट है सेक्शन 10 ऑफ आईबीसी प्लस सेक्शन 16 ऑफ आईबीसी दोनों का, तो मैं दोनों पढ़ूंगा साथ साथ में। आ जाइए पहला, यहां क्या लिखा है, प्रोवाइडेड वेयर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट अपॉइंटेड ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन अंडर 7910 द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शॉल बी अ डेट ऑन विच इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड। पर ये क्लॉज अब हो गया है ओमिट, ये क्लॉज हो गया है क्या ओमिट, मतलब अब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट का डेट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हर जगह ये चेंज किया है, जहां जहां पे भी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का रेफरेंस है वहां हर जगह इन्होंने डाला है डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ एप्लीकेशन इज अ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी इज अ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब एक ही दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा उसी दिन से आईआरपी अपॉइंट होगा और वही आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाएगा, क्लियर है आंसर। तो यहां लिखा है ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड ऑकरिंग एट द एंड सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड इज इंसर्टेड। अब ये अलग है, इसका कोई यहां पर रिलेवेंस नहीं, ये अमेंडमेंट में बाद में लूंगा, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, ठीक है। और फिर सेक्शन नंबर 16 पे जाते हैं, आ जाइए अमेंडमेंट नंबर 14, थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करके, पर ये साथ साथ में हो जाएगा। देखो यहां लिखा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शॉल अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यही लिख के रख दिया, अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, और वो डेट वो है जिस दिन आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। बस ये छोटा सा अमेंडमेंट यहां पे डाला है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वही डेट माना जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार, यस और नो।
आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, यह है सेक्शन 16 के अंदर का अमेंडमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को याद रखना। अब मैं चाहूंगा उधर जो डायग्राम दिया है वो आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, या चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। फाउंडेशन के स्टूडेंट यहां क्या कर रहे हो? एफसी मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर, सीडी मतलब कॉर्पोरेट डेटर वेब। जय चीचानी, मैं एक बार देखता हूं इसको, नहीं होगा तो इसके ऊपर भी लेक्चर आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। थैंक यू सो मच अनुल भाई, थैंक यू सो मच बेटा, इट्स योर एफर्ट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ मानसी, 180 डेज ये एक्सेप्टेंस डेट से ही शुरू होंगे। चलो डन एवरीबडी। सो यहां आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वाला सिचुएशन होता है कंप्लीट। ये होने के बाद में अगले अमेंडमेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं, आईबीसी के, ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट। हाँ अब ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है इसको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। क्लॉज नंबर 15 जो है, ठीक है, जो क्लॉज इंटरिम फाइनेंस वर्ड को डिफाइन करता है, इंटरिम फाइनेंस मतलब क्या, उसके अंदर अमेंडमेंट आया है। और ये क्यों आया है ये मैं आपको एक मिनट के लिए समझाना चाहूंगा। आईबीसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर, ये बड़े अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है, मुंडी मुंडी चट को स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। आगे अगर आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है, कोई घर लेना है, तो ये अमेंडमेंट बड़ा काम में आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ का अमेंडमेंट है। आईबीसी में फाइनेंशियल क्रिएटर उसको मानते हैं जो बंदा अपने को लोन देता है, जो हमारे अंदर डिबेंचर होल्ड करता है, वो बंदे को हम फाइनेंशियल क्रिएटर मानते हैं, जिसने हमको फाइनेंस प्रोवाइड किया है। लेकिन इफ आई एम अ बिल्डर, इफ आई एम अ कंपनी एंड आई एम अ बिल्डर, बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, नालायक, बिल्डर का मतलब प्रमोटर एंड डेवलपर, जो बिल्डिंग बांधता है। सो इफ आई एम अ बिल्डर, प्रमोटर एंड बिल्डर, और मैंने बहुत सारे लोगों को फ्लैट सेल किए और उन फ्लैट के बदले में मैंने उनसे एडवांसेस लिए। आपने देखा होगा जब आप फ्लैट बुक करने के लिए जाते हो तो 10% अमाउंट अपफ्रंट ले लेता है, फिर पहली प्लिंथ गिरती है तो 5%, दूसरी प्लिंथ 5%, तीसरी प्लिंथ 5%, चौथी प्लिंथ 5%, ऐसे 5-5% आपको देने पड़ते हैं, एडवांस में अमाउंट लेते हैं। फ्लैट तो अभी तक रेडी नहीं है, पोजीशन पे 5% देना, ये भी आपको बोलते हैं, फ्लैट तो अभी तक रेडी है ही नहीं। तो अगर किसी प्रमोटर बिल्डर को उसके फ्लैट ओनर्स ने, लोगों ने फ्लैट बुकिंग करके रखा है और उन्होंने उसको एडवांस देके रखा है, क्या ये एडवांस को फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर इंटरिम फाइनेंस में माना जाएगा? क्योंकि अगर ये लोगों को आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर माना तो इनको वोटिंग राइट मिलेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर में, तो इनको बात करने का मौका मिलेगा। अगर आप इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर ट्रीट करोगे तो इनको ना ही वोटिंग राइट मिलेगा, ना ही बात करने का मौका मिलेगा। इनके साथ प्रमोटर बिल्डर कुछ भी गलत कर सकता है। तो इन फ्लैट ओनर्स के प्रोटेक्शन के लिए रेरा लाया गया, और रेरा भी ये बोलता है कि भैया इनके डेट्स को, जो लोगों ने फ्लैट ओनिंग के खिलाफ एडवांसेस पे किए हैं, बिल्डर को फ्लैट बोलो या रो हाउसेस बोलो या फिर वो बंगलोज या लैंड कुछ भी बोलो, प्रमोटर डेवलपर को अगर एडवांस पे किया है किसी ने, तो उसको रेरा के अंदर भी फाइनेंशियल डेट माना जाएगा और यहां पे भी फाइनेंशियल डेट माना जाएगा, और उनको फाइनेंशियल क्रिएटर के पूरे हक मिल जाएंगे। उसके लिए इंटरिम फाइनेंस की क्लॉज 14 के डेफिनेशन चेंज कर दी गई सेक्शन 5 में। इंटरिम फाइनेंस मींस अ फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड। मतलब जो होम बायर्स ने एडवांस दिया है हम उसको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर गिनेंगे। Such other date as may be notified में अभी home buyers का advance ही notified है, जो notified है वो यही वाला area है, home buyers ने अगर कोई advance दिया है तो advance by home buyers। concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले यस और नो, ये चीज को आपने नोट करके रखना चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी अमेंडमेंट नंबर 11 सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी का अमेंडमेंट है।
अप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी कर सकता है, यह आपको ऑलरेडी पता है। उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है छोटा सा, प्रोविजोस कुछ ऐड हुए हैं उसके अंदर। अब मैं जो होम बायर्स वाला एप्लीकेशन है ना, उसके हिसाब से ही आपको बोल रहा हूं कि कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर यहां पे एप्लीकेशन कर सकता है, कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर यहां पे एप्लीकेशन कर सकता है। अब जरा देखिए, यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय एफसी, आप साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। यहां मैं लिखूंगा नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिटर और यहां मैं लिखूंगा होम बायर्स, रिलेटेड ही अमेंडमेंट है, ठीक है, ये मैं लिखना चाहूंगा। सो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो ही पार्ट है फिलहाल, पहला नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिटर और दूसरा होम बायर्स, फिर तीसरा कोई अमेंडमेंट आया तो मैं बोलूंगा। अब नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिटर को कितना एप्लीकेशन करना जरूरी है जरा ध्यान देना, बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड दैट में दिया, provided that financial creditor referred to in clause A and B of subsection 6A of section 21, section 21 subsection 6A is about application for corporate insolvency resolution process by financial creditor, agar aapko pata hoga to, an application for initiating CIRP resolution process against a corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 or such other creditors in the same class or not less than 10% of total number of such a creditors in the same class, whichever is less, 100 or not less than 10% of total number of such a creditors. मतलब normal FC में कौन apply कर सकता है? financial creditors or 10% of financial creditors, whichever is lower. ये नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए। व्हाट अबाउट होम बायर्स? प्रोवाइडेड फर्दर दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, देखिए होम बायर्स अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर शॉल बी ज्वाइंटली फाइल्ड बाय नॉट लेस देन 100 सच अलॉटीज और द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज, ठीक है, ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब देखो यहां पर होम बायर्स के लिए 100 अलॉटीज और 10% ऑफ अलॉटीज, अच्छा दोनों केस में ये डिफरेंस है। सर ये जो 10% है ये अमाउंट का है या ये नंबर का है? मतलब सर एफसी अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भैया मैं अगर एग्जांपल यहां पे लू, दूसरे कलर के पेन से लेता हूं अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बिल्ट अप होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2000 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, 2000 इन नंबर, ठीक है, तो एक तो 100 एफसी अप्लाई करेंगे या 2000 का 10% मतलब 200 एफसी अप्लाई करेंगे, विच एवर इज लोअर। तो फॉर एग्जाम्पल 200, विच एवर इज लोअर, तो एग्जाम्पल के तौर पे कितने आएंगे एफसी? 100, क्लियर है। होम बायर्स समझे टाउनशिप है, उस टाउनशिप में तो लोग हजारों फ्लैट बेचते हैं, ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें कोई होम बायर्स है 3000 होम बायर्स है 3000, तो 100 होम बायर्स और 10% फॉर एग्जांपल आएगा यहां पे 300, तो विच एवर इसका लेना है लोअर, तो यहां पे भी क्या आएगा 100, कंसेप्ट समझ में आए। तो इन लोगों ने अप्लाई करना है, अगर इससे छोटा नंबर है आपके पास में तो छोटा होगा, जैसे यहां पर अगर 200 ही है तो 200 में से 20 बिकॉज विच एवर इज लोअर है। यहां पर आपके पास में अगर, यहां मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स टेक इट 300, ठीक है, सो यहां पे 30 लोग अप्लाई करेंगे तो लोअर, विच ओर इज लोअर का आएगा 30, मतलब दोनों टाइप के एग्जांपल आपके कवर हो जाएंगे, क्लियर है। फिर बचा हुआ प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट हर एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन फाइल्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर्ड टू इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो हैज नॉट बीन एडमिटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन सच एप्लीकेशन शॉल बी मॉडिफाइड टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो विद इन 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेड एक्ट। तो जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, ये प्रोविजन किसके लिए दिया है? पेंडिंग एप्लीकेशन, अगर पेंडिंग एप्लीकेशन है एफसी का, जिस दिन ये प्रोविजन आया उस दिन अगर एफसी का कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है, ट्रांजिशन प्रोविजन है, पेंडिंग एप्लीकेशन है मतलब ऑलरेडी एप्लीकेशन करके रखा है और यह प्रोविजन आ गया, तो उनको ऊपर का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के लिए 30 डेज मिलेंगे
और साथ में यह भी बोला है कि इन्होंने डिफॉल्ट का एविडेंस देना चाहिए आईयू से। हालांकि अमेंडमेंट आईसीआई ने कवर नहीं किया, ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है, मैं इस लेक्चर के एंड में बोलूंगा जो आईसीआई ने कवर नहीं किए हैं, वो थोड़े थोड़े ब्रीफ देकर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये लिख के रख लेना ठीक है। तो मैं चाहूंगा डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए और साइड का जो मैंने लिखा है वो भी लिख लीजिए। समझ में आया क्या, जरूर बताइए, गो फॉर इट फास्ट। बुकिंग हाउस विदाउट एडवांस इज कंसिडर्ड एज होम बायर वैभव, पर फिर वो क्रिएटर में नहीं आएगा क्योंकि उसने एडवांस ही नहीं दिया है। एक ही लेक्चर है वर्षा, आज कंप्लीट होने के चांसेस है। हाँ, अगर कुछ बचा हुआ है तो उसका एक क्लैरिफिकेशन का अलग से लेक्चर आ सकता है। प्रखिन सिंगल, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे मेरे कॉन्ग्रेट्स। डायरेक्टर अपॉइंटेड एज एसएसडी कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन निधि, क्योंकि वो आईडी होता है और आईडी को ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट किया गया है रोटेशन नॉन रोटेशन से। ये बेयर टेक्स में लिखा है रोटेशन नॉन रोटेशन के। डॉली, ये यूट्यूब के ऊपर मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा इसका आंसर, इट इज क्वाइट डीप क्वेश्चन, सो अगर आप व्हाट्सएप पे पूछे तो आदर बेटर होगा। चलो डन एवरीबडी, लिख लिया सबने, सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, अमेंडमेंट नंबर है 12, सेक्शन नंबर है 11 ऑफ आईबीसी। बोला गया है कि कौन सीआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कौन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। चार डिस्क्वालिफिकेशन थे, एकदम छोटा सा सेक्शन है, जो ऑलरेडी सीआरपी के थ्रू जा रहा है, जो कंपनी एलएलपी ऑलरेडी सीआरपी में है वो कैसे अप्लाई करेगी, जिन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट किया है वो कैसे अप्लाई करेंगे लास्ट 12 मंथ्स वाला, ठीक है, या जिन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में सीआईआरपी के प्रोविजंस को वायलेट किया है वो भी अप्लाई नहीं करेंगे, या जिनके खिलाफ लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया है वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब इससे ना तकलीफ हो गई, इससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, मतलब कंफ्यूजन है फालतू सा, पर लोग देखो क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, There was a company called Bhushan Steels, आगे हमको इसका काम आएगा। Bhushan Steel चला गया CIRP में, Corporate Insolvency Resolution Process में, या CIRP में अभी है या liquidation में है, या last 12 months में था liquidation में, last 12 months में वो liquidation या CIRP में था, जो भी था, तो Bhushan Steels CIRP या liquidation में था। आगे जाके इसके ऊपर एक example आने वाला है, case इसके ऊपर हुआ है, that's why मैं ये बता रहा हूं। भूषण स्टील्स ने लेट्स से किसी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाटा स्टील्स को, क्योंकि यह भी केस के अंदर इन्वॉल्व था, टाटा स्टील्स को लोन देके रखा है। अभी ऐसा नहीं हुआ था, केस थोड़ा अलग है इससे, पर मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर ठीक है मत करो नहीं तो कंफ्यूजन होगा, अगली केस भी समझ में नहीं आएगी, आई एम वेरी सॉरी, एक ही इसमें दो चीजें पुट नहीं करते वरना कंफ्यूजन होगा, माई मिस्टेक। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने, वेरी गुड, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने लोन दिया इंफोसिस को। अब दर्शन इस्पात लिमिटेड इज अ बिग कंपनी, यू नो दैट, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने लोन दिया इंफोसिस को, ठीक है, और दर्शन इस्पात लिमिटेड खुद सीआईआरपी लिक्विडेशन के थ्रू जा रहा है, सीआरपी के थ्रू जा रहा है, लिक्विडेशन जा रहा है, या लास्ट 12 मंथ्स में सीआरपी का प्रोसेस किया है या डिफॉल्ट किया है लास्ट 12 मंथ्स में, और उसने लोन दिया है इन्फी के लिए। दर्शन इस्पात लिमिटेड ने इन्फी के लिए लोन दिया है, तो दर्शन इस्पात लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल क्रिएटर ऑफ इन्फी, इंफोसिस। अब यहां क्या दर्शन इस्पात लिमिटेड कैन अप्लाई फॉर सीआईआरपी ऑफ इन्फी, क्या दर्शन इस्पात लिमिटेड इंफोसिस के सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, यह सवाल आया, क्योंकि आपने तो बोला जो कंपनी सीआईआरपी के थ्रू जा रही है या पिछले 12 महीने में गई है या 12 महीने में डिफॉल्ट किया है या फिर लिक्विडेशन के थ्रू जा रही है वो सीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी, आप ही नहीं बोला। अब ये कंपनी के साथ तो ये हो रहा है, तो क्या ये दूसरी कंपनी के सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकती है,
डिपार्टमेंट ने माथा फोड़ लिया, डिपार्टमेंट बोलता है अरे भाई जो कंपनी खुद सीआईआरपी के थ्रू जारी है या पिछले 12 महीने में जा चुकी है या डिफॉल्ट किया है 12 महीने में या लिक्विडेशन में घुसी पड़ी है वो खुद के सीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर वो किसी की एफसी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है और ऊपर वाली 100 वाली कंडीशन या 10% वाली कंडीशन कंप्लाई कर रही है तो वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकती है। तो वेदर दिस एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड, यस डील कैन अप्लाई, डील कैन अप्लाई फॉर सीआईआरपी ऑफ इंफोसिस। समझ में आ रहा है, वो खुद के सीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, इंफोसिस के सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकती है, ये क्लेरिफिकेशन दिया है। तो लिख लीजिए, गो फॉर इट। समझ में आया क्या, जरूर बताइए जिंदगी में, ठीक है। दीपक शाह, उसको किसी और को पकड़ के लाना पड़ेगा, और अगर उसका ही 80% अमाउंट है तो बचे हुए क्रिएटर्स के नंबर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली 10% वाला नंबर नीचे आ जाएगा। कौन से एंड वाले केस स्टडी ओंकार बेटा? पंकज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये आएगा, डोंट वरी। चलो फोटो खींच लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। So, ये हो गया आपका अमेंडमेंट नंबर 12, अमेंडमेंट नंबर 13, मोरेटोरियम वाला अमेंडमेंट। हाँ ये खास है, इसको मुझे समझाना ही पड़ेगा। मोरेटोरियम बड़ी सही जगह है। आपको याद है, आपको याद है, आपको याद है, मतलब अगर आपको याद है ही है तो मैं थोड़ा सा चला ही जाता हूं, चला जाता हूं किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, सुनहरी मस्ती भरी आंखों में। मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूं इसलिए, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मेरे को ढूंढने दो चैट, फिर मैं ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल। मैं तो, आप बोलोगे सर अमेंडमेंट लेक्चर में टाइम पास, इतनी हिम्मत आपकी सर? नहीं बेटा, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है। समझाने के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा, हाँ आ जाइए। ये डायग्राम में ढूंढ रहा था, बड़ा जबरदस्त डायग्राम है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान देना तो समझ में आएगा। जब आप सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन करते हो, कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया, एफसीओसी ने सीआईआरपी के लिए अप्लाई किया, 14 डेज के अंदर एक तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। 90% लोग अगर विड्रॉ करना चाहे एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने देखा था ऑलरेडी। और रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन तो 7 डेज में आप न्यू एप्लीकेशन रिसबमिट कर सकते हो, नया एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो सकता है। सिंपल सी बात है, दोनों केसेस में जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो इमीडिएटली एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होता है तो चार चीजें शुरू होती है। चार चीजें, सीआरपी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना क्रिएट्स 4 थिंग्स इन अ रो। पहले तो आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसका अमेंडमेंट हमने अभी देखा, जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ उसी दिन अपॉइंट करना है। तो आईआरपी अपॉइंट होगा, वही आईआरपी पब्लिक नोटिस देगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि भाई इस कंपनी का सीआरपी शुरू हुआ है, सो दैट पब्लिक अवेयर हो जाए। वही 180 डेज का काउंट शुरू हो जाएगा, 180 डेज का काउंटडाउन प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन, टोटल मिला के 365 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमने ओल्ड इसमें देखा। और वही पे मोरेटोरियम शुरू होगा। व्हाट इज मोरेटोरियम? कि कोई भी लिटिगेशन, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं या होने वाले हैं वो सब के सब स्टॉप हो जाएंगे और कंपनी सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस करती रहेगी और उसका मैनेजमेंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देखेगा। सो ऑल प्रोसीडिंग्स, ऑल लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी विल स्टॉप देयर फॉर 180 डेज और टिल द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन और कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी विच एवर इज अर्लियर। उस दिन तक मोरेटोरियम चलता रहेगा और कोई भी प्रोसीडिंग उस दिन तक नहीं चलेंगे। तो ये जो मोरेटोरियम शुरू हो रहा था उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट आया है, ये कंसेप्चुअली लेके जा रहा हूं मैं बड़े अच्छे तरीके से। किसी को चाहिए तो ये भी चार्ट का फोटो खींच लीजिए, ठीक है, फटाफट फोटो खींच लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, वैसे दिख तो नहीं रहा उसके अंदर ज्यादा कुछ, होल्ड एक सेकंड। हाँ तो फटाफट फोटो खींच लीजिए चार्ट का, आपको चाहिए तो ऐसा आप खुद भी चार्ट बना सकते हो।
ठीक है। सो अब इसके मोरेटोरियम में क्या अमेंडमेंट आया है, तो मैं जरा अमेंडमेंट के ऊपर जाऊंगा और मैं आपको मोरेटोरियम के रिगार्डिंग अमेंडमेंट बोलूंगा। नाउ व्हाट इज मोरेटोरियम, थोड़ा ध्यान से, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते, कोई भी दूसरी हरकत नहीं हो सकती, आप कुछ भी कंपनी के साथ नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल एनसीएलटी अप्रूव्स द सेम। जब तक एनसीएलटी उस चीज को अप्रूव नहीं करता तो आप कंपनी के साथ में कोई भी दूसरी हरकत नहीं कर सकते। तो मोरेटोरियम में कंपनी के सर्वाइवल के लिए एक अमेंडमेंट आया है। अगर कंपनी को कोई लाइसेंस इशू किया है, परमिट इशू किया है, रजिस्ट्रेशन इशू किया है, कोटा इशू किया है, कंसेशन इशू किया है, क्लियरेंस इशू किया है, गवर्नमेंट ग्रांट इशू की है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने या सेक्टोरियल रेगुलेटर ने, मतलब कोई भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, कंसेशन, ग्रांट या क्लियरेंस वाली कोई भी चीज कंपनी को इशू की है मोरेटोरियम के पहले, या मोरेटोरियम में इशू करनी है, करनी है सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी या सेक्टोरियल रेगुलेटर। सेक्टोरियल रेगुलेटर मतलब स्पेसिफिक सेक्टर के रेगुलेटर, जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई, फेमा में आरबीआई, इंश्योरेंस में आईआरडीए, कंपटीशन एक्ट में सीसीआई, सिक्योरिटी लॉ में सेबी। तो सेक्टोरियल रेगुलेटर ने किसी ने लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन दिया है, कोटा दिया है, कंसेशन दिया है, ग्रांट दिया है, क्लियरेंस दिया है, तो मोरेटोरियम में ये चीजें जैसी की वैसी चलती रहेगी, इसके ऊपर कोई भी मोरेटोरियम का इफेक्ट नहीं होगा, आप मोरेटोरियम में इनको रोक नहीं सकते, ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, प्रोवाइडेड आप इनकी रिक्विजिट फीस पे करते रहिए, प्रोवाइडेड दैट आप इनकी रिक्विजिट फीस पे करते रहिए तो ये कंटिन्यू होगा। रिक्विजिट फीस आपको यहां पे करनी है। यहां पेन थोड़ा सा अजीब हो रहा है, चाइना नहीं बोलना नालायक कोई भी, ठीक है। हां, इफ रिक्विजिट फीस पेड एंड कंडीशंस, अगर कुछ बोली है कंप्लाइड, अगर आपने रिक्विजिट फीस पे की है, कंडीशन कंप्लाई की है, तो मोरेटोरियम में भी ये चीजें आपकी चलती रहेगी, ये स्टॉप नहीं होगी, ये ऐसी का ऐसी कंटिन्यू होगी। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने शॉप एक्ट लाइसेंस उठाया है, तो क्या आपका शॉप एक्ट लाइसेंस मोरेटोरियम में बंद हो जाएगा, या कंपनी ने शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है बाद में सीआरपी में घुसा, तो क्या सेक्टोरियल रेगुलेटर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस नहीं दे पाएगा। मैंने इंटेंजिबल असेट के पेटेंट के लिए अप्लाई किया है मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी आरएनडी वाली, रिसर्च डेवलपमेंट वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, एक गोली लो 10 साल जवान हो जाओ, दो गोली लो 20 साल जवान हो जाओ, 50 गोली लो और यंग हो जाओ, पूरी बोतल खा लो छोटा सा बेबी हो जाओ, ऐसी मैंने दवाई निकाली। नाउ वी आर गोइंग टू रजिस्टर द सेम और उसका मुझे पेटेंट चाहिए। मैंने एप्लीकेशन किया था भैया मोरेटोरियम लगने के पहले, मोरेटोरियम लगने के बाद क्या मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, यह बोला गया है, अगर मैं रिक्विजिट फीस पे करूं और कंडीशन कंप्लाई करूं। साथ में एडिशनली यह बोला है, यह तो ऑलरेडी बोला था कि भैया ड्यूरिंग दिस मोरेटोरियम इसेंशियल सर्विसेज जो है वो चलती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल सप्लाई कंपनी के प्रोडक्शन के लिए चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और भी कोई इसेंशियल चीज है वो भी चलती रहेगी, ठीक है। इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज ये आपको दिए जाएंगे, जैसे ऑडिटिंग सर्विसेज, इट इज इसेंशियल, टैक्स कंसल्टेंसी, इज इट इसेंशियल, ये चलते रहेगी। पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो नॉन इसेंशियल भी होती है, दिखती नॉन इसेंशियल है बट एक्चुअली एज ऑपरेशन इसेंशियल वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, मतलब आपको रिपेयर मेंटेनेंस करना है मशीन का, यह लगता नॉन इसेंशियल है पर है इसेंशियल। वर्कर्स की सिक्योरिटी, यह अपफ्रंट नॉन इसेंशियल लगता है पर है इसेंशियल। तो ऐसी भी कोई चीज है तो मोरेटोरियम में रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द वैल्यू एंड मैनेज द ऑपरेशन, ऑपरेशन चलाने के लिए और किसी की वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए, असेट की वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस, कंटिन्यू एंड अवेल दिस। हालांकि ये छोड़ के कोई अदर है, ये फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, ये छोड़ के कोई अदर है तो दैट इज कैन नॉट अवेल द सेम, बाकी कोई भी गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट अवेल। ये यहां पे अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। मैं चाहूंगा इसको भी फटाफट फोटो खींच लीजिए या लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। सर्वेश, इकोनॉमिक लॉ तो हमने बहुत मेहनत की है पर वो कंटेंट ही पूरा प्रोसीजरल है तो उसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेरी जितनी मेहनत है वो तो मैंने बहुत कर दी, डायरेक्टर खुद ही इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल है इसलिए वो इजी हो जाता है।
यस बेटा दिव्यांग, ये मई में ही हुआ है. डन एवरीबॉडी, आई होप सो आपका कंप्लीट हुआ होगा. तो ये अमेंडमेंट है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं. देखो यहां पे वही बोला गया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, कोई भी परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, ठीक है, कंसेशन वगैरह गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेक्टोरियल रेगुलेटर विल कंटिन्यू एज इट इज फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. ये वैसे के वैसे चलते रहेंगे. और साथ में बोला है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कंसीडर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मैनेज द ऑपरेशंस गोइंग कंसर्न बेसिस, तो उसको अवेल कर सकता है. सिर्फ जरूरत यह है कि आईआरपी को यह इसेंशियल लगना चाहिए, ठीक है, एज पर आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. एक चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, तमद में आया क्या. फिर अमेंडमेंट नंबर 14, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो उसी दिन होना चाहिए, दैट इज सेक्शन नंबर 16 का अमेंडमेंट है. फिर अमेंडमेंट नंबर 15 के ऊपर जा रहे हैं, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के अंदर एक अमेंडमेंट आया हुआ है, ये भी वही वाला अमेंडमेंट है, हाउस बाइंग वाला. मतलब सच अदर डेट्स एज मे प्रिस्क्राइब, हमने देखा था ना कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज मे प्रिस्क्राइब, ये अलग है, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अमेंडमेंट नंबर है 15, सेक्शन नंबर है 21. सब जाग रहे हैं या गायब हो गए? ओ 300 लोग जाग रहे हैं, शानदार तूफान जिंदगी में. मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सब जाग रहे हो तो बोलो हाउस द जोश, हाउस द जोश. चलो शानदार तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद. अजय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में आपने देखा होगा कि भैया कमिटी ऑफ क्रिएटर 30 दिन में कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है और उसका पहला मीटिंग इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 30 डेज के अंदर ही लेगा. कुछ याद आया? कमिटी ऑफ क्रिएटर में रिलेटेड पार्टीज नहीं बैठ सकती, कमिटी ऑफ क्रिएटर में रिलेटेड पार्टीज नहीं बैठ सकती. अब इसके लिए यह पैराग्राफ मेंशन किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले से था, इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड किया है. आ जाइए क्या केस है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना. मैं किंग फिशर का केस लेता हूं, समझो किंग फिशर, क्योंकि किंग फिशर के केस में हुआ था. किंग फिशर, विजय माल्या, मैंने एक विजय माल्या का डबल रोल डाला था, जिसने नहीं देखा जरूर देखना, मजा आएगा. किंग फिशर को लोन दिया था SBI बैंक ने, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 1000 करोड़ का लोन. ठीक है, तो फिलहाल SBI बैंक क्या है, फॉरेन कंपनी नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर है SBI बैंक. अब इस लोन को SBI बैंक ने, एक्चुअली किंगफिशर में हुआ था, SBI बैंक ने दो पार्ट में तोड़ दिया जब किंगफिशर पे नहीं कर रहा था. एक पार्ट उसने लोन ही रखा, फॉर एग्जाम्पल 700 करोड़ का उसने लोन ही रखा, और 300 करोड़ के लोन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में. जिस इक्विटी कन्वर्जन के वजह से SBI बिकम्स अ रिलेटेड पार्टी, किसी भी रीजन से बिकम अ रिलेटेड पार्टी ऑफ किंगफिशर. और रिलेटेड पार्टी, जब फाइनेंशियल क्रिएटर रिलेटेड पार्टी होती है तो वो मीटिंग में बैठ नहीं सकते. तो यहां क्लैरिफिकेशन दिया है कि बचे हुए 700 करोड़ के लिए, सच अदर डेट बोला है, 700 करोड़ के लिए SBI इज स्टिल अ फाइनेंशियल क्रिएटर. तो यहां पे मैं पढ़ना चाहूंगा प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर फर्स्ट प्रोविजो शॉल नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल क्रिएटर. फर्स्ट प्रोविजो मतलब कौन सा, फाइनेंशियल क्रिएटर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बैठ सकता है, लेकिन अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो बैठ नहीं पाएगा. क्लियर कंसेप्ट, ये बोला गया है. तो फर्स्ट प्रोविजो शॉल नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल सेक्टर इफ द रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सोली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेट इनटू इक्विटी शेयर्स. अगर उसका कोई भी डेट है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है उसके वजह से वो रिलेटेड पार्टी बनता है तो वो बचे हुए अमाउंट के लिए फाइनेंशियल क्रिएटर मानते हुए बैठ सकता है कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में. तो मैं चाहूंगा इसको भी आप लिख करके, छोटा सा अमेंडमेंट है, इररिलेवेंट है, पर याद रखना. एम साहा, 2022 का एग्जाम है बेटा, अभी से मत लॉ करो, लॉ आप मई 2021 में करना. निधि, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, शायद लेके जा सकते हो. ओंकार ओझा, आई विल ट्राई फॉर द सेम, अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेट मी फर्स्ट सी क्या सिचुएशन है, देन. चलो डन,
आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं. अमेंडमेंट नंबर 16 सेक्शन नंबर 29A के अंदर है. ठीक है, सेम है अमेंडमेंट. रिलेटेड पार्टी वाला पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर रिजोल्यूशन अप्लीकेंट. तो कौन सा पर्सन रिजोल्यूशन अप्लीकेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसके अंदर जो रिलेटेड पार्टी कन्वर्जन की वजह से हुआ है तो उसको इनएलिजिबल मत करना, वो अभी भी एलिजिबल है. सेम ऊपर का एक्सप्लेनेशन नीचे कॉपी किया है. सो पर्सन रिलेटेड पार्टी सोली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेट इनटू, तो जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ वो पोर्शन नहीं, बचे हुए पोर्शन के लिए आप कभी भी एफसी करके अप्लाई कर सकते हो. फिर अगला अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 17. बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके ऊपर लिटिगेशन हुए हैं. मुंडी मुंडी जट को स्ट्रेट बैठो. मुझे कमेंट के अंदर सबसे पहले सबजन बताइए कि आप जिंदा है यहां पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. प्लीज आ जाइए फटाफट कमेंट के अंदर, मुझे बताइए कि आप जिंदा हो तो ही जाके मैं पढ़ा सकता हूं. फटाफट लाइक ठोको, कमेंट करो जल्दी जल्दी, मेरे को सब पूरा जोश चाहिए बिकॉज ये अमेंडमेंट. प्रशांत हैप्पी बर्थडे बेटा, जबरदस्त जिंदाबाद. हाउ इज द जोश, हाउ द जोश. लास्ट अमेंडमेंट है, बस ये लास्ट से, इसके बाद एक और बचा है, बस दैट्स ऑल. बताओ सबजन जोर से. चलो बहुत बढ़िया सबजन, अगर जिंदा है तो मैं अमेंडमेंट बताता हूं. बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये लिटिगेशन बेस्ड अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 17. आ जाइए, मैंने साइड में एक मस्त वाला डायग्राम ड्रॉ करके रखा है आपके लिए. मैंने बोला था ना भूषण सील का केस हुआ था, उसके साथ एक और केस हुआ है. देर वॉज वन कंपनी मॉनेट इस्पात, मॉननेट करके उसका नाम है, MONNET इस्पात एंड AMP लिमिटेड करके एक कंपनी था. इस्पात जैसे दर्शन इस्पात लिमिटेड है, इस्पात मीन स्टील मैन्युफैक्चरर, वैसे ही मॉनेट इस्पात लिमिटेड एक कंपनी था जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता था. बहुत प्यारा केस है ये. CIRP में गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, और CIRP में इनको किसी ने यह सजेस्ट किया कि भाई आपकी कंपनी किसी और को बेच दो तो कंपनी भी सर्वाइव हो जाएगी और क्रिएटर भी हैप्पी हो जाएंगे. तो क्रिएटर ने भी बोल दिया, कमिटी ऑफ क्रिएटर के सभी क्रिएटर ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ कंपनी किसी और को बेच दो, हमारे डेट्स हम उनसे रिकवर कर लेंगे. तो ये मॉनेट इस्पात लिमिटेड, मॉनेट इस्पात एंड AMP लिमिटेड को एक्वायर कर लिया 2018 में CIRP रूट से. इंसॉल्वेंसी मतलब CIRP में यह भी हो सकता है कि आपके कंपनी को कोई और एक्वायर कर ले. CIRP रूट में एक्वायर कर लिया जिंदल स्टील्स वालों ने, JSW स्टील एंड ईऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया. ईऑन इन्वेस्टमेंट और जिंदल स्टील दोनों ने मिलकर इनको एक्वायर कर लिया. जब जिंदल स्टील्स और ईऑन इन्वेस्टमेंट ने इनको एक्वायर कर लिया 2018 के CIRP रूट में, 2019 में सेबी आया क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड थी. 2019 में सेबी आया और 2019 में सेबी ने पेनल्टी ठोक दी मॉनेट इस्पात AMP लिमिटेड के ऊपर. अब इसके तो 100% शेयर इन्होंने एक्वायर कर लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी और JSW ने, तो सेबी ने पेनल्टी ठोक दी मॉनेट इस्पात एंड AMP लिमिटेड के ऊपर कि उन्होंने पिछले 5 साल तक डिस्क्लोजर नॉर्म्स का वॉयलेशन किया है. जो डिस्क्लोजर चाहिए थे मॉनेट इस्पात लिमिटेड की तरफ से वो उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिए है, वॉयलेशन हुआ है. तो सेबी ने लंबी चौड़ी पेनल्टी ठोक दी, और सेबी की पेनल्टी तुमको होता है 1 लाख पर डे 1 करोड़ के नीचे तो मानते नहीं है, और नॉन डिस्क्लोजर ए फॉर अकाउंट्स बुक्स एंड रिपोर्ट्स नॉन डिस्क्लोजर 1 लाख पर डे 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी स्टेट में, और उससे भी बड़ा कुछ फ्रॉड हुआ और कंसीलेशन वगैरह निकला तो अभी हमने पेनल्टी देखी भैया 10 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट अभी तो देखी हा वाली. तो अगर ऐसा हुआ तो इन्होंने पेनल्टी ठोक दी मॉनेट इस्पात और AMP पे. हालांकि मॉनेट इस्पात AMP पे अभी किसका मैनेजमेंट है, JSW और ईऑन का, और इन्होंने डिफॉल्ट कब किया है पिछले 5 साल में. मतलब जब ये कंपनी JSW ईऑन की नहीं थी उस वक्त के प्रॉब्लम की वजह से अभी सेबी ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाया. जब इनके अंदर मैनेजमेंट किसका है, JSW ईऑन का, तो सेबी बोले JSW और ईऑन को कि तुम पेनल्टी पे करो. JSW ईऑन बोले हमारे यहां कुछ लिखा है, पागल दिखते हैं हम. पागल इज द बेटर वर्ड, हालांकि मैं दूसरा भी वर्ड यूज कर सकता था पर वो फैमिली शो में अलाउड नहीं है. क्या हम सी दिखते हैं तुमको, बोले जब तुम्हारी कंपनी हमने एक्वायर नहीं की थी तब का डिफॉल्ट है और पेनल्टी मांगने तुम अब आ गए. अगर हमको ये डिफॉल्ट पता रहता तो हम कंपनी को एक्वायर ही नहीं करते थे. हम क्या पागल बैठे कि डिफॉल्टिंग कंपनी को एक्वायर करें. JSW और ईऑन ने हाथ खड़े कर दिया, हम ऐसी कंपनी को एक्वायर ही नहीं करते थे अगर हमको पहले पता रहता तो, पर हमको पता ही नहीं था. तो बोले तो सेबी बोले फिर पेनल्टी किससे रिकवर करे. JSW और ईऑन बोले जाओ मॉनेट इस्पात एंड AMP के जो ओल्ड डायरेक्टर्स थे, ओल्ड मैनेजमेंट, ओल्ड की मैनेजर पर्सन जो थे, उनसे जाओ पेनल्टी रिकवर कर लो. वी डोंट नो. सेबी बोले नहीं, हमारा तुम्हारी तरफ, हम मानते हैं तुम्हारा लॉजिक सही है. सेबी ने बोला
जेएसडब्ल्यू को, तुम्हारा लॉजिक सही है पर पेनल्टी के लिए हम पीछे वाले लोगों को कैसे पकड़ेंगे, तुम ही कुछ करके दो। जेएसडब्ल्यू बोले ये कैसी बात हुई, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, ये कैसी बात हुई आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, होता है ना फ्रेंड जोन। जेएसडब्ल्यू बोलता है तुम हमारी बात के ऊपर भरोसा कर रहे हो और पेनल्टी भी हमसे मांग रहे हो, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। जेएसडब्ल्यू बोले ये ना चल बे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हम ऐसा करने ही नहीं देंगे। चला गया केस आईबीबीआई, आईबीबीआई के बाद में एनसीएलटी। सेम केस हुआ, भूषण स्टील्स को एक्वायर कर लिया सीआईआरपी रूट ने, टाटा स्टील्स ने, नाम दे दिया टाटा स्टील्स ब्रैकेट में बीएसएल लिमिटेड, पूरा एक्वायर कर लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उनके ऊपर पेनल्टी ठोक दी 19,700 करोड़ की, 19,700 करोड़ की पेनल्टी ठोकी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने नॉन कंप्लायंस ऑफ डिस्क्लोजर्स के लिए, और फ्रॉड पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिचुएशन हो गया, फेमा वाला सिचुएशन हो गया, उसके अंदर 19,700 करोड़ की पेनल्टी ठोकी और 4,000 करोड़ के असेट कॉन्फिस्केट कर लिए, 4,000 करोड़ के असेट भूषण स्टील के कॉन्फिस्केट कर लिए, बोले 19,700 करोड़ की पेनल्टी पे करो। कब, जब टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील मतलब रतन टाटा जी, तुम रतन टाटा से पंगे लेने जा रहे हो, उनका 25,000 करोड़ का कैपिटल इरोजन हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम सर 19,000 के लिए उनके 4,000 करोड़ के असेट रोक रहे हो। रतन टाटा जी ने बोला ए भाई सुन, ये आई लव यू बट एज अ फ्रेंड इधर नहीं चलता, नो फ्रेंड जोन, एक तो हाँ बोल नहीं तो ना बोल, ठीक है, अगर तूने ना बोल दिया पेनल्टी हमको पे करनी पड़ेगी तो हम करते अपील, और हाँ बोल रहा है तो ओल्ड मैनेजमेंट को जा ढूंढ और उसको पकड़। अब ये सेबी और ईडी ये लोग परेशान हो गए, क्यों परेशान हो गए, नया मैनेजमेंट हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है और ओल्ड मैनेजमेंट इनको मिल नहीं रहा, क्योंकि ओल्ड मैनेजमेंट के आधे लोग फ्रॉड करके बाहर देश में बस गए। अभी तो ट्रेंड है ना, फ्रॉड करो बाहर देश में बस जाओ, फ्रॉड करो बाहर देश में बस जाओ, कोई पकड़ नहीं सकता, ये तो ट्रेंड चल रहा है। तो जो ओल्ड मैनेजमेंट है फ्रॉड करके बाहर के देशों में चला गया, कि उनको उनको पता था उन्होंने फ्रॉड किया है। तो अब क्या करे, क्या करे क्या ना करे, तो इसके लिए उन्होंने लाया सेक्शन नंबर 32A। देखो क्या बोला है, बड़े प्यार से बोला है, बड़े प्यार से, नए मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, सराखों पे रखते हुए, क्योंकि अब जिस दिन उन्होंने पेनल्टी लगा दी ना, ये सब लोग खुद का पैसा डिसइन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है, उठा के कंपनी को बेच डालेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, बोलेंगे हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे कंपनी की, और दोनों कंपनी डाउन हो जाएगी, गवर्नमेंट का बुरा हो जाएगा, पब्लिक का बुरा हो जाएगा, पब्लिक का पैसा लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नॉटविस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रारी कंटेंट इन दिस कोड, इस कोड में, इस लॉ में या एनी अदर लॉ कुछ भी लिखा जाए हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। 32A बोलता है, 32A सबको ओवरराइड करेगा, ठीक है, कोड और एनी लॉ, द लाइबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर फॉर ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस शॉल सीज, कॉर्पोरेट डेटर शॉल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रिजोल्यूशन प्लान रिजल्ट इन द चेंज इन द मैनेजमेंट। अगर चेंज, ये वर्ड बड़ा काम का है, अगर वहां पे चेंज इन मैनेजमेंट है रिजोल्यूशन प्रोसेस की वजह से, द रिजोल्यूशन प्लान रिजल्ट इन द चेंज इन द मैनेजमेंट, तो बोले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नए मैनेजमेंट के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी। उसके नीचे लिखा है द प्रमोटर द मैनेजमेंट और द कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और रिलेटेड पार्टी, प्रमोटर मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और रिलेटेड पार्टी और सच अ पर्सन, ठीक है, चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ प्रमोटर, मतलब अगर आप ओल्ड मैनेजमेंट के प्रमोटर नहीं हो, कहीं कुछ नहीं हो, तो आपके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। वर्डिंग देखो यहां पे डाला गया है, नॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर आप प्रमोटर नहीं हो, रिलेटेड पार्टी नहीं हो और ओल्ड मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर आप नहीं थे तो। पर साथ में यह भी बोला है कि चलो भैया हम नए कंपनी जेएसडब्ल्यू या टाटा स्टील से कोई पैसा नहीं मांगेंगे, हम आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हेल्प तो कर दो, प्लीज हेल्प कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी सी चाहिए उतनी कर दो, जितनी जमती उतनी कर दो, हेल्प तो कर दो, हमको तो रिकवरी करनी है। तो यहां अ पर्सन विथ रिगार्ड टू हुम द रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजीशन रीजन टू बिलीव दैट अबेटेड और कॉन्स्पायर्ड फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैज सबमिटेड फाइल्ड रिपोर्ट कंप्लेंट टू द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कोर्ट प्रोवाइडेड दैट If a prosecution had instituted during corporate insolvency resolution process against such a corporate debtor, it shall stand discharged. अगर उस corporate debtor के खिलाफ कोई prosecution शुरू किया है तो वो stop हो जाएगा, वो discharge हो जाएगा from the date of approval of resolution plan. जिस दिन resolution plan approve हुआ तब से discharge हो जाएगा. Provided further that every person who is a designated partner as defined in LLP Act or officer in default as defined in the Companies Act was in a manner in charge or responsible for corporate debtor for conduct of the business associated with the corporate debtor in any manner
who was directly indirectly involved in the commission of such offense as per submitted complaint of investigation shall continue to be liable. मतलब old जो designated partner था LLP का, old companies act में जो in charge of management था, he is continued to be liable. Continue जो offense के अंदर involved था, commission of offense में जो involved था, he will continue to be liable to be prosecuted. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और जो नया मैनेजमेंट लायबल नहीं होगा. नो एक्शन शॉल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिलेशन टू ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. नए मैनेजमेंट के खिलाफ कोई भी प्रॉपर्टी का सीजेशन का एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? और जो विच रिजल्ट्स इन अ चेंज इन कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया सीआरपी के वजह से, तो नए मैनेजमेंट के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा. प्रमोटर जो ओल्ड है या ओल्ड कंट्रोल वाली जो रिलेटेड पार्टी है उनके खिलाफ किया जाएगा. पर्सन जो ओल्ड वाला है उसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलेगा, लेकिन दूसरा जो नया मैनेजमेंट है उनको हेल्प करने की बहुत जरूरत पड़ जाएगी. फिर नीचे लिखा है, फॉर दिस पर्पज दिस सबसेक्शन इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एन एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी of the corporate data in relation to the offense shall include attachment, seizure, retention, confiscation or any other thing. मतलब ये चीजें आप new corporate data के खिलाफ नहीं कर सकते. Cannot be done. लिख के रखो, cannot be done against new management. ठीक है, ये दोनों चीजें आप न्यू कॉर्पोरेट डेटर के साथ या न्यू मैनेजमेंट के साथ नहीं कर सकते. ये बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ न्यू मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व नहीं है. सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन 1-2 नॉटविस्टैंडिंग द इम्यूनिटी गिवन इन दिस सेक्शन. इस सेक्शन में जो भी इम्यूनिटी दी है वो ठीक है. कॉर्पोरेट डेटर एनी अदर पर्सन हु मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस अंडर द लॉ एज मे बी एप्लीकेबल टू सच अ कॉर्पोरेट डेटर और पर्सन शॉल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस. देखो मैंने बोला था ना, कोऑपरेशन तो कर दो, हेल्प तो कर दो. तो ये सेक्शन है कि भैया आपको नए मैनेजमेंट को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा. क्लियर है? बेरेटिक्स का लैंग्वेज है, एक बार पढ़ के देखिए. जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको डायग्राम मैंने जो दो डायग्राम ड्रॉ किए वो ड्रॉ करने हैं प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, मतलब आपका कंसेप्ट पॉलिश और बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगा. गो फॉर इट फास्ट. कैसा लगा जरूर बताना मुझे कैसा लगा. हाँ बेटा अजाज अहमद अपलोड हो जाएगा बेटा, डोंट वरी. ओंकार रोजा पूरे डेंटिस्ट के दांत भी कम पड़ जाएंगे. थैंक यू सो मच. जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज. पसंद आया लाइक ठोक दो, मजा आ जाएगा जिंदगी में. जितना लाइक होगा उतना वीडियो सब लोग देख पाएंगे, उनको भी मजा आएगा. हाँ देवांश, एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ, डोंट वरी. अप्रतिम थैंक्स सो मच. दीपक ड्यू डिलीजेंस किशन करते हैं, पर सत्यम का तो 7 साल तक ऑडिट हुआ था तो भी पकड़ा नहीं गया था फ्रॉड. 7 साल से फ्रॉड चल रहा था. पंजाब नेशनल बैंक में भी सेम चल रहा था. ड्यू डिलीजेंस में हर चीज पकड़ी जाएगी, जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल अलग होता है डॉक्यूमेंटेड अलग होता है. और आपको क्या लगता है टाटा स्टील JSW जैसी कंपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी पहले? थैंक यू सो मच MP निवेदिता, निवेद सॉरी MP निवेद. आईडी को एग्जाम देना पड़ेगा नाम डाटा बैंक में ऐड करने के बाद 30 जून से लेकर 1 साल के अंदर. विवेक चरडन, सो इन सिंपल वर्ड्स सर इस अमेंडमेंट को कंक्लूड कर दो. तो कंक्लूड कर दू, ओल्ड मैनेजमेंट जब फ्रॉड हुआ था वो लायबल रहेगा हर एक चीज के लिए, जो नया मैनेजमेंट है एक्वायरर का वो लायबल नहीं रहेगा, पर हां वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट जरूर करेगा. हालांकि उसकी वजह से उनके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं आएगी, पर वो सिर्फ कोऑपरेट करेगा. हालांकि लाइबिलिटी ये ओल्ड मैनेजमेंट की ही रहेगी बिफोर एक्वाइजेशन वालों की. कंसेप्ट समझ में आया? ये कंक्लूजन है, इस चीज को याद रखना. क्लियर है कंसेप्ट? एक चीज होने के बाद बचा लास्ट अमेंडमेंट. मैंने ऑलरेडी बोला था कि 1 करोड़ अमेंडमेंट हो चुका है. मैंने बोला था लास्ट अमेंडमेंट हम इसको देखेंगे कि आपका जो
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का जो अमेंडमेंट हुआ है 1 लाख का मिनिमम अमाउंट। देखो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में एक डेफिनेशन था, उसके अंदर बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट बोल सकता है 1 लाख रुपी और शॉल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ तक के सीजी इसको लेके जा सकता है। तो सीजी इसको लेके चला गया है, अब सीजी ने 1 करोड़ का डिफॉल्ट अमाउंट मिनिमम बोला है आईबीसी के लिए, क्योंकि बहुत सारी केसेस आ रही थी। उच्चा मुच्चा 2 लाख रुपए का भी जितने लोन दिया वो भी जाके आईबीसी के अंदर अप्लाई कर रहा था, तो गवर्नमेंट बोले ए भाई रुक है बस, ठीक है ये 1-1 लाख वाले लोग आएंगे हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अब अमाउंट बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। क्या गवर्नमेंट अब 1 करोड़ के ऊपर अमाउंट बोल सकता है डिफॉल्ट का? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं बोला है कि मैक्सिमम अमाउंट इज 1 लाख। तो यहां लिख के रखिए सीजी कैनॉट मेंशन अमाउंट अबव 1 CR, 1 करोड़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अमाउंट नहीं बोल सकता। एक चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, कंसेप्ट समझ में आया? बोलो हां ठीक है, क्योंकि ये लिमिट है। एक और नोटिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन, इट इज रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई टू, किस किस को यह कोड की प्रोविजन अप्लाई हो सकती है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। छोटा सा यह सबको बताया आपको ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार पढ़ लू। प्रोविजन ऑफ दिस कोड शॉल अप्लाई टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट, अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे यहां लिख लो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इसको आईबीसी लगता है, ठीक है, ये कोड एलएलपी को लगता है, लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप को, सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड फॉर अ टाइमिंग इन फोर्स उसको भी लगता है, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर को भी लगता है। ये पर्सनल गारंटर डी वाली जो प्रोविजन है वो अभी आई है, पर्सनल गारंटर्स को भी आईबीसी वाला सिचुएशन लगेगा। मतलब मैंने अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड के ऊपर गारंटी दिया है, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक को, तो आईसीआईसीआई बैंक मेरी सीआईआरपी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्लियर है, ये चीज को भी याद रखना। लास्ट वाला अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट है, यहां पे बोला गया है एनबीएफसी जो थे पहले, अगर आपको मैं सिंपली बोलू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, पहले सिंपली ऐसा बोला था कि आईबीसी इज नॉट अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एफएसपी को, ये आईबीसी अप्लीकेबल नहीं होता था, ये पहले था अर्लियर, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिर एफएसपी ने मार्च करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स ने मार्च करना शुरू कर दिया, कोई भी डिफॉल्ट करते थे, किधर भी डिफॉल्ट करते थे और चिल मारते थे जिंदगी में। तो ऐसे सिचुएशन में अब आईबीसी ने क्या किया, आईबीसी टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, असेट साइज मोर देन रुपीज 500 करोड़ एंड असेट साइज लेस देन रुपीज 500 करोड़। तो देखो ऊपर क्या बोला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई नोटिफाइज दैट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विथ असेट ऑफ 500 करोड़ और मोर एज पर रिलेटेड और इज ऑडिटेड बैलेंस शीट शॉल बी अंडरटेकन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। मतलब जिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको अब आईबीसी अप्लीकेबल हो जाएगा, बचे हुओं को आईबीसी अप्लीकेबल नहीं होगा, यह अमेंडमेंट बोला गया है। मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखिए, ये लास्ट अमेंडमेंट था। डीएचएफएल वाला केस सही पकड़ा दीपक शाह, पूजा जैन करके देखिए, मेरी जिंदगी में तो खजाने खुल गए, वंडर्स हो गए, आप ट्राई कीजिए, पर 6 महीने कंसिस्टेंटली करना सुबह शाम, तो कुछ दिखेगा। वो अमेंडमेंट हो चुका बेटा, वो रूल 15 क्लॉज 15 वाला अमेंडमेंट था जो मैंने पेंडिंग रखवाया था, वो मैंने करवा दिया है, वापस जाके देखिए एक बार। वैशाली चलो हो गया सबका, ओके, इसके पीडीएफ मैं कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा सेम फोल्डर में जहां पे अमेंडमेंट है।
अच्छा ये छोड़ के इस बार अमेंडमेंट में, अब ये सुन के जाइए प्लीज, लीव मत कीजिएगा, जितनी 300 लोग हैं मेरे को पूरे के पूरे चाहिए और सबने इसको सुनना है जो अभी तक अमेंडमेंट लेक्चर देखा। बहुत सारे इस बार ऐसे अमेंडमेंट है जो आए हैं पर आईसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और वो अमेंडमेंट मैंने आपको जानबूझ के नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो अगर मैं पढ़ा देता और आप उसके हिसाब से आंसर लिखते तो आईसीआई के आंसर्स और आरटीपी उसके हिसाब से नहीं बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स है जो आए हैं पर आईसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे मैं कुछ अमेंडमेंट आपको बोलता हूं, मैंने टाइम टू टाइम यहां पे मार्क करके रखे, जो आपके जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के रूल 3 सब रूल 6 के अंदर अमेंडमेंट है जो आईसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट है, क्लेरिफिकेशन है कि जो गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए 51% पेडअप कैपिटल लगता है, अब वो पेडअप कैपिटल को ऐसे देखना है जैसे वो वोटिंग पावर है, ठीक है। ये छोटा सा अमेंडमेंट है गवर्नमेंट कंपनी में कि जो डेफिनेशन में लिखा है 51% ऑफ पेडअप कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय सीजी और एसजी, उसको ऐसे देखना है कि वो वोटिंग पावर है, पर यह आईसीआई ने कहीं नहीं दिया है। क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये क्लैरिफिकेशन भी आईसीआई ने इंक्लूड नहीं किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोसिक्यूशन करते हो सबसेक्शन 12 में, 149 सबसेक्शन 12 में, तो आईडीए प्रूव कर सकता है कि भाई मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व भी नहीं था, मैंने अवॉइड करने की कोशिश की पर मुझे नॉलेज भी नहीं था, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। वो प्रोसिक्यूशन में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है, वो भी आईसीआई ने इंक्लूड नहीं किया है। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप ये कहीं और देखोगे तो आप मेरे को बोलोगे सर पढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि आरटीपी में नहीं दिया है, और आरटीपी में नहीं दिया है तो अभी मार्क्स कमाने में पहली जरूरत है, तो आईसीआई के मार्क्स कमाने के हिसाब से मैंने अमेंडमेंट आपको नहीं बताया। हाँ, अगर आईसीआई इसको डिक्लेयर करता है तो यह अमेंडमेंट मैं आपको जरूर दूंगा। यह आईसीआई ने बोलने चाहिए थे ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे वाले अमेंडमेंट है। उसके बाद में और कौन सा अमेंडमेंट है जो आईसीआई ने नहीं लिया, होल्ड आई विल जस्ट टेल यू। हाँ, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में एक अमेंडमेंट था आईबीसी के, वो भी आईसीआई ने यहां पे कवर अप नहीं किया है। ये मैंने आपके ये मैं पीडीएफ ही आपसे शेयर कर रहा हूं तो आपको टाइम टू टाइम दिखता रहेगा कि कुछ अमेंडमेंट आईसीआई ने कवर नहीं किया है। हालांकि वो छोड़ के जितने भी अमेंडमेंट है वो मैंने यहां कवर किए हैं। आई गेस किसी ने तो भी कमेंट किया है सेक्शन 15 ए और ईबी कोई पेनल्टी का सेक्शन है सेवी का, वो मैंने यहां अमेंडमेंट में कवर नहीं किया, ना ही मई 20 में है। तो अगर पहले मेरे को सर्च करने दो, ऐसा कोई रहा तो अमेंडमेंट का एक छोटा सा और लेक्चर रिलीज हो जाएगा जिसके अंदर ऐसे कोई अमेंडमेंट आपको मिलते हैं तो नीचे प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये अमेंडमेंट आपने कवर किया या नहीं किया, मैं चेक करूंगा। और सच में कवर नहीं किया होगा मई 20 या इस लेक्चर में तो मैं उसको वापस से एक और लेक्चर के साथ, छोटे से लेक्चर के साथ कवर करूंगा। वो लाइव नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा तो कभी भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।